या बुरा। कैसा है अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर, जाने रिव्यू। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बता दे फैंस अक्षय की इस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए संशोधन करने और सर्टिफिकेट प्राप्त करने में इतनी देरी हो गई कि मेकर्स ने बिना किसी इवेंट के लिए ट्रेलर लॉन्च कर दिया। यूं तो OMG 2 का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला था, लेकिन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के बाद रिलीज टल गई और आज आखिरकार ट्रेलर रिलीज हो गया। अब सवाल उठ गया ये कि क्या फैंस के इंतजार का फल मीठा निकला या नहीं, आइए जानते हैं। OMG 2 का ट्रेलर ठीक ठाक लगा, कहीं कहीं रोंगटे खड़े हुए, कहीं पंकज त्रिपाठी के डायलॉग्स पर हंसी आई तो कहीं वाह कहने का मन भी किया। अक्षय कुमार की भी एक्टिंग काफी अच्छी लगी। पिछले काफी समय से लोग उनकी एक्टिंग की आलोचना कर रहे थे। लोगों का कहना था कि वो फिल्म को समय पर खत्म करने के चक्कर में मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों की इस शिकायत को दूर कर दिया। ट्रेलर से ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने इस किरदार में जान फूंकने के लिए काफी मेहनत की है। अपने लुक के साथ साथ डांस पर भी काफी काम किया है। OMG 2 का ट्रेलर उतना दमदार नहीं लगा। बहुत सारी चीजें OMG की कॉपी लगी, जैसे पंकज त्रिपाठी का वो डायलॉग, आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती है, आप अपाहिज हो गए महाराज, आप चालक पर केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर, ऐसा ही डायलॉग परेश रावल ने OMG में बोला था। उन्होंने कहा था, वकील साहब आपके घर में बिजली रिलायंस की आती है, तो जब कभी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस का ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। वही सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को अक्षय कुमार के किरदार में बदलाव करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार को भगवान के रूप में नहीं बल्कि भगवान के दूत के रूप में पेश किया जाए, लेकिन अक्षय कहीं कहीं भगवान की ही तरह एक्ट करते दिखे। वो ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी से ये कहते हैं, तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो। इसके जवाब में पंकज त्रिपाठी कहते हैं, शिव का दास। फिर अक्षय कुमार उन्हें टोकते हुए कहते हैं, नहीं शिव के पास। OMG 2 और गदर 2 के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर फूटा सनी देओल का गुस्सा, क्या बोले पाजी। सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसी दिन अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 भी रिलीज होगी। एक ही दिन दो बड़े सितारों की फिल्म पर्दे पर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन दोनों ही टॉप स्टार की फिल्मों के क्लैश को लेकर भी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। अब खुद सनी देओल ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर रिएक्ट किया है, जहां एक तरफ सनी देओल की फिल्म गदर 2 तारा सिंह और सकीना की कहानी को लेकर आ रही है, वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार की बैक टू बैक फ्लॉप हो रही फिल्मों के बाद एक और फिल्म OMG 2 रिलीज होने वाली है। अक्षय के करियर के लिए ये फिल्म बेहद खास है, खुद एक्टर को भी इस फिल्म से काफी उम्मीद है कि ये उनके करियर को नई दिशा दे सकती है। इन दो फिल्मों के क्लैश को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है। अब तो गदर 2 के एक्टर तारा सिंह यानी खुद सनी देओल ने इन फिल्मों के क्लैश को लेकर बयान दिया है। सिल्वर स्क्रीन पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को एक ही दिन रिलीज होने वाली है। ऐसे में बड़े पर्दे पर गदर 2 और OMG 2 के बीच महाक्लैश देखने को मिलेगा। हाल ही में अक्षय कुमार की OMG 2 के क्लैश पर सनी देओल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि साल 2001 में उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा आमिर खान की लगन के साथ क्लैश हुई थी। एक्टर ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि लोग फिल्मों को कंपेयर क्यों करने लगते हैं। 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा के कलेक्शन को याद करते हुए बताया, गदर ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। लोगों को लगा कि ये मसाला फिल्म है, ये पुरानी टाइप की फिल्म होगी। वहीं दूसरी ओर लोगों का मानना था कि लगन एक क्लासिक फिल्म है। आगे सनी देओल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ लोगों ने तो रिलीज से पहले ही गदर को लेकर भी
काफी कुछ उल्टी सीधी बातें की थी, लेकिन बाद में यही फिल्म लोगों की पहली पसंद बन गई थी। लोगों ने फिल्म को दिल खोल कर प्यार दिया और फिल्म पर खूब प्यार लुटाया। मुझे याद है कि अवार्ड शो में उन्होंने गदर का मजाक बनाया था, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर फिल्म की अपनी अलग कहानी होती है जिसके कोई बराबरी नहीं होती, उसकी तुलना क्यों की जाती है। ऐसा ही मेरे कुछ बाकी फिल्मों के साथ भी हुआ है, जैसे घायल का भी दिल के साथ तुलना की गई थी। इनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। बावजूद इसके लोग को फिल्मों को कंपेयर करना अच्छा लगता है। अच्छा या बुरा, कैसा है अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर? जाने रिव्यू। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बता दे, फैंस अक्षय की इस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए संशोधन करने और सर्टिफिकेट प्राप्त करने में इतनी देरी हो गई कि मेकर्स ने बिना किसी इवेंट के लिए ट्रेलर लॉन्च कर दिया। यूं तो OMG 2 का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला था, लेकिन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के बाद रिलीज टल गई और आज आखिरकार ट्रेलर रिलीज हो गया। अब सवाल उठ गया ये कि क्या फैंस के इंतजार का फल मीठा निकला या नहीं, आइए जानते हैं। OMG 2 का ट्रेलर ठीक ठाक लगा, कहीं कहीं रोंगटे खड़े हुए, कहीं पंकज त्रिपाठी के डायलॉग्स पर हंसी आई तो कहीं वाह कहने का मन भी किया। अक्षय कुमार की भी एक्टिंग काफी अच्छी लगी। पिछले काफी समय से लोग उनकी एक्टिंग की आलोचना कर रहे थे। लोगों का कहना था कि वो फिल्म को समय पर खत्म करने के चक्कर में मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों की इस शिकायत को दूर कर दिया। ट्रेलर से ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने इस किरदार में जान फूंकने के लिए काफी मेहनत की है। अपने लुक के साथ साथ डांस पर भी काफी काम किया है। OMG 2 का ट्रेलर उतना दमदार नहीं लगा, बहुत सारी चीजें OMG की कॉपी लगी, जैसे पंकज त्रिपाठी का वो डायलॉग, आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती है, आप अपाहिज हो गए महाराज, आप चालक पर केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर, ऐसा ही डायलॉग परेश रावल ने OMG में बोला था। उन्होंने कहा था, वकील साहब आपके घर में बिजली रिलायंस की आती है, तो जब कभी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस का ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। वही सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को अक्षय कुमार के किरदार में बदलाव करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार को भगवान के रूप में नहीं बल्कि भगवान के दूत के रूप में पेश किया जाए, लेकिन अक्षय कहीं कहीं भगवान की ही तरह एक्ट करते दिखे। वो ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी से ये कहते हैं, तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो। इसके जवाब में पंकज त्रिपाठी कहते हैं, शिव का दास। फिर अक्षय कुमार उन्हें टोकते हुए कहते हैं, नहीं शिव के पास। OMG 2 और गदर 2 के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर फूटा सनी देओल का गुस्सा, क्या बोले पाजी। सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसी दिन अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 भी रिलीज होगी। एक ही दिन दो बड़े सितारों की फिल्म पर्दे पर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन दोनों ही टॉप स्टार की फिल्मों के क्लैश को लेकर भी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। अब खुद सनी देओल ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर रिएक्ट किया है, जहां एक तरफ सनी देओल की फिल्म गदर 2 तारा सिंह और सकीना की कहानी को लेकर आ रही है, वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार की बैक टू बैक फ्लॉप हो रही फिल्मों के बाद एक और फिल्म OMG 2 रिलीज होने वाली है। अक्षय के करियर के लिए ये फिल्म बेहद खास है, खुद एक्टर को भी इस फिल्म से काफी उम्मीद है कि ये उनके करियर को नई दिशा दे सकती है। इन दो फिल्मों के क्लैश को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है। अब तो गदर 2 के एक्टर तारा सिंह यानी खुद सनी देओल ने इन फिल्मों के क्लैश को लेकर बयान दिया है। सिल्वर स्क्रीन पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को एक ही दिन रिलीज होने वाली है। ऐसे में बड़े पर्दे पर गदर 2 और OMG 2 के बीच महाक्लैश देखने को मिलेगा।
हाल ही में अक्षय कुमार की ओएमजी 2 के क्लैश पर सनी देओल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि साल 2001 में उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा आमिर खान की लगन के साथ क्लैश हुई थी। एक्टर ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि लोग फिल्मों को कंपेयर क्यों करने लगते हैं। 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा की कलेक्शन को याद करते हुए बताया, गदर ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। लोगों को लगा कि ये मसाला फिल्म है, ये पुरानी टाइप की फिल्म होगी। वहीं दूसरी ओर लोगों का मानना था कि लगन एक क्लासिक फिल्म है। आगे सनी देओल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ लोगों ने तो रिलीज से पहले ही गदर को लेकर भी काफी कुछ उल्टी सीधी बातें की थी, लेकिन बाद में यही फिल्म लोगों की पहली पसंद बन गई थी। लोगों ने फिल्म को दिल खोल कर प्यार दिया और फिल्म पर खूब प्यार लुटाया। मुझे याद है कि अवार्ड शो में उन्होंने गदर का मजाक बनाया था, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर फिल्म की अपनी अलग कहानी होती है जिसकी कोई बराबरी नहीं होती, उसकी तुलना क्यों की जाती है। ऐसा ही मेरे कुछ बाकी फिल्मों के साथ भी हुआ है, जैसे घायल का भी दिल के साथ तुलना की गई थी। इनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। बावजूद इसके लोग को फिल्मों को कंपेयर करना अच्छा लगता है। अच्छा या बुरा, कैसा है अक्षय कुमार की फिल्म ओएमजी 2 का ट्रेलर, जाने रिव्यू। अक्षय कुमार की फिल्म ओएमजी 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बता दें, फैंस अक्षय की इस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए संशोधन करने और सर्टिफिकेट प्राप्त करने में इतनी देरी हो गई कि मेकर्स ने बिना किसी इवेंट के लिए ट्रेलर लॉन्च कर दिया। यूं तो ओएमजी 2 का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला था, लेकिन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के बाद रिलीज टल गई और आज आखिरकार ट्रेलर रिलीज हो गया। अब सवाल उठ गया ये कि क्या फैंस के इंतजार का फल मीठा निकला या नहीं, आइए जानते हैं। ओएमजी 2 का ट्रेलर ठीक ठाक लगा, कहीं कहीं रोंगटे खड़े हुए, कहीं पंकज त्रिपाठी के डायलॉग्स पर हंसी आई तो कहीं वाह कहने का मन भी किया। अक्षय कुमार की भी एक्टिंग काफी अच्छी लगी। पिछले काफी समय से लोग उनकी एक्टिंग की आलोचना कर रहे थे। लोगों का कहना था कि वो फिल्म को समय पर खत्म करने के चक्कर में मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों की इस शिकायत को दूर कर दिया। ट्रेलर से ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने इस किरदार में जान फूंकने के लिए काफी मेहनत की है। अपने लुक के साथ साथ डांस पर भी काफी काम किया है। ओएमजी 2 का ट्रेलर उतना दमदार नहीं लगा, बहुत सारी चीजें ओएमजी की कॉपी लगी, जैसे पंकज त्रिपाठी का वो डायलॉग, आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती है, आप अपाहिज हो गए महाराज, आप चालक पर केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर, ऐसा ही डायलॉग परेश रावल ने ओएमजी में बोला था। उन्होंने कहा था, वकील साहब आपके घर में बिजली रिलायंस की आती है, तो जब कभी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस का ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। वही सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को अक्षय कुमार के किरदार में बदलाव करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार को भगवान के रूप में नहीं बल्कि भगवान के दूत के रूप में पेश किया जाए, लेकिन अक्षय कहीं कहीं भगवान की ही तरह एक्ट करते दिखे। वो ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी से ये कहते हैं, तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो। इसके जवाब में पंकज त्रिपाठी कहते हैं, शिव का दास। फिर अक्षय कुमार उन्हें टोकते हुए कहते हैं, नहीं शिव के पास। ओएमजी 2 और गदर 2 के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर फूटा सनी देओल का गुस्सा, क्या बोले पाजी। सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसी दिन अक्षय कुमार की फिल्म ओएमजी 2 भी रिलीज होगी। एक ही दिन दो बड़े सितारों की फिल्म पर्दे पर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन दोनों ही टॉप स्टार की फिल्मों के क्लैश को लेकर भी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। अब खुद सनी देओल ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर रिएक्ट किया है, जहां एक तरफ सनी देओल की फिल्म गदर 2 तारा सिंह और सकीना की कहानी को लेकर आ रही है,
वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार की बैक टू बैक फ्लॉप हो रही फिल्मों के बाद एक और फिल्म ओएमजी 2 रिलीज होने वाली है। अक्षय के करियर के लिए ये फिल्म बेहद खास है। खुद एक्टर को भी इस फिल्म से काफी उम्मीद है कि ये उनके करियर को नई दिशा दे सकती है। इन दो फिल्मों के क्लैश को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है। अब तो गदर 2 के एक्टर तारा सिंह यानी खुद सनी देओल ने इन फिल्मों के क्लैश को लेकर बयान दिया है। सिल्वर स्क्रीन पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर होने वाली है क्योंकि ये दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को एक ही दिन रिलीज होने वाली है। ऐसे में बड़े पर्दे पर गदर 2 और ओएमजी 2 के बीच महाक्लैश देखने को मिलेगा। हाल ही में अक्षय कुमार की ओएमजी 2 के क्लैश पर सनी देओल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि साल 2001 में उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा आमिर खान की लगन के साथ क्लैश हुई थी। एक्टर ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि लोग फिल्मों को कंपेयर क्यों करने लगते हैं। 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा के कलेक्शन को याद करते हुए बताया, गदर ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। लोगों को लगा कि ये मसाला फिल्म है, ये पुरानी टाइप की फिल्म होगी। वही दूसरी ओर लोगों का मानना था कि लगन एक क्लासिक फिल्म है। आगे सनी देओल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ लोगों ने तो रिलीज से पहले ही गदर को लेकर भी काफी कुछ उल्टी सीधी बातें की थी, लेकिन बाद में यही फिल्म लोगों की पहली पसंद बन गई थी। लोगों ने फिल्म को दिल खोल कर प्यार दिया और फिल्म पर खूब प्यार लुटाया। मुझे याद है कि अवार्ड शो में उन्होंने गदर का मजाक बनाया था, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर फिल्म की अपनी अलग कहानी होती है जिसके कोई बराबरी नहीं होती, उसकी तुलना क्यों की जाती है। ऐसा ही मेरे कुछ बाकी फिल्मों के साथ भी हुआ है, जैसे घायल का भी दिल के साथ तुलना की गई थी। इनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। बावजूद इसके लोग को फिल्मों को कंपेयर करना अच्छा लगता है। अच्छा या बुरा, कैसा है अक्षय कुमार की फिल्म ओएमजी 2 का ट्रेलर, जाने रिव्यू। अक्षय कुमार की फिल्म ओएमजी 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बता दें, फैंस अक्षय की इस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए संशोधन करने और सर्टिफिकेट प्राप्त करने में इतनी देरी हो गई कि मेकर्स ने बिना किसी इवेंट के लिए ट्रेलर लॉन्च कर दिया। यूं तो ओएमजी 2 का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला था, लेकिन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के बाद रिलीज टल गई और आज आखिरकार ट्रेलर रिलीज हो गया। अब सवाल उठ गया ये कि क्या फैंस के इंतजार का फल मीठा निकला या नहीं, आइए जानते हैं। ओएमजी 2 का ट्रेलर ठीक ठाक लगा, कहीं कहीं रोंगटे खड़े हुए, कहीं पंकज त्रिपाठी के डायलॉग्स पर हंसी आई तो कहीं वाह कहने का मन भी किया। अक्षय कुमार की भी एक्टिंग काफी अच्छी लगी। पिछले काफी समय से लोग उनकी एक्टिंग की आलोचना कर रहे थे। लोगों का कहना था कि वो फिल्म को समय पर खत्म करने के चक्कर में मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों की इस शिकायत को दूर कर दिया। ट्रेलर से ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने इस किरदार में जान फूंकने के लिए काफी मेहनत की है। अपने लुक के साथ साथ डांस पर भी काफी काम किया है। ओएमजी 2 का ट्रेलर उतना दमदार नहीं लगा, बहुत सारी चीजें ओएमजी की कॉपी लगी, जैसे पंकज त्रिपाठी का वो डायलॉग, आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती है, आप अपाहिज हो गए महाराज, आप चालक पर केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर, ऐसा ही डायलॉग परेश रावल ने ओएमजी में बोला था। उन्होंने कहा था, वकील साहब आपके घर में बिजली रिलायंस की आती है, तो जब कभी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस का ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। वही सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को अक्षय कुमार के किरदार में बदलाव करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार को भगवान के रूप में नहीं बल्कि भगवान के दूत के रूप में पेश किया जाए, लेकिन अक्षय कहीं कहीं भगवान की ही तरह एक्ट करते दिखे। वो ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी से ये कहते हैं, तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो। इसके जवाब में पंकज त्रिपाठी कहते हैं, शिव का दास।
फिर अक्षय कुमार उन्हें टोकते हुए कहते हैं नहीं सीप के पास। OMG 2 और गदर 2 के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर फूटा सनी देओल का गुस्सा, क्या बोले पाजी। सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसी दिन अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 भी रिलीज होगी। एक ही दिन दो बड़े सितारों की फिल्म पर्दे पर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन दोनों ही टॉप स्टार की फिल्मों के क्लैश को लेकर भी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। अब खुद सनी देओल ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर रिएक्ट किया है, जहां एक तरफ सनी देओल की फिल्म गदर 2 तारा सिंह और सकीना की कहानी को लेकर आ रही है, वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार की बैक टू बैक फ्लॉप हो रही फिल्मों के बाद एक और फिल्म OMG 2 रिलीज होने वाली है। अक्षय के करियर के लिए ये फिल्म बेहद खास है, खुद एक्टर को भी इस फिल्म से काफी उम्मीद है कि ये उनके करियर को नई दिशा दे सकती है। इन दो फिल्मों के क्लैश को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है। अब तो गदर 2 के एक्टर तारा सिंह यानी खुद सनी देओल ने इन फिल्मों के क्लैश को लेकर बयान दिया है। सिल्वर स्क्रीन पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को एक ही दिन रिलीज होने वाली है। ऐसे में बड़े पर्दे पर गदर 2 और OMG 2 के बीच महाक्लैश देखने को मिलेगा। हाल ही में अक्षय कुमार की OMG 2 के क्लैश पर सनी देओल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि साल 2001 में उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा आमिर खान की लगन के साथ क्लैश हुई थी। एक्टर ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि लोग फिल्मों को कंपेयर क्यों करने लगते हैं। 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा की कलेक्शन को याद करते हुए बताया, गदर ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। लोगों को लगा कि ये मसाला फिल्म है, ये पुरानी टाइप की फिल्म होगी। वहीं दूसरी ओर लोगों का मानना था कि लगन एक क्लासिक फिल्म है। आगे सनी देओल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ लोगों ने तो रिलीज से पहले ही गदर को लेकर भी काफी कुछ उल्टी सीधी बातें की थी, लेकिन बाद में यही फिल्म लोगों की पहली पसंद बन गई थी। लोगों ने फिल्म को दिल खोल कर प्यार दिया और फिल्म पर खूब प्यार लुटाया। मुझे याद है कि अवार्ड शो में उन्होंने गदर का मजाक बनाया था, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर फिल्म की अपनी अलग कहानी होती है जिसकी कोई बराबरी नहीं होती, उसकी तुलना क्यों की जाती है। ऐसा ही मेरे कुछ बाकी फिल्मों के साथ भी हुआ है, जैसे घायल का भी दिल के साथ तुलना की गई थी। इनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। बावजूद इसके लोग को फिल्मों को कंपेयर करना अच्छा लगता है। अच्छा या बुरा, कैसा है अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर, जाने रिव्यू। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बता दे फैंस अक्षय की इस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए संशोधन करने और सर्टिफिकेट प्राप्त करने में इतनी देरी हो गई कि मेकर्स ने बिना किसी इवेंट के लिए ट्रेलर लॉन्च कर दिया। यूं तो OMG 2 का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला था, लेकिन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के बाद रिलीज टल गई और आज आखिरकार ट्रेलर रिलीज हो गया। अब सवाल उठ गया ये कि क्या फैंस के इंतजार का फल मीठा निकला या नहीं, आइए जानते हैं। OMG 2 का ट्रेलर ठीक ठाक लगा, कहीं कहीं रोंगटे खड़े हुए, कहीं पंकज त्रिपाठी के डायलॉग्स पर हंसी आई तो कहीं वाह कहने का मन भी किया। अक्षय कुमार की भी एक्टिंग काफी अच्छी लगी। पिछले काफी समय से लोग उनकी एक्टिंग की आलोचना कर रहे थे। लोगों का कहना था कि वो फिल्म को समय पर खत्म करने के चक्कर में मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों की इस शिकायत को दूर कर दिया। ट्रेलर से ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने इस किरदार में जान फूंकने के लिए काफी मेहनत की है, अपने लुक के साथ साथ डांस पर भी काफी काम किया है। OMG 2 का ट्रेलर उतना दमदार नहीं लगा, बहुत सारी चीजें OMG की कॉपी लगी, जैसे पंकज त्रिपाठी का वो डायलॉग, आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती है, आप अपाहिज हो गए महाराज, आप चालक पर केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर,
ऐसा ही डायलॉग परेश रावल ने ओएमजी में बोला था। उन्होंने कहा था, वकील साहब आपके घर में बिजली रिलायंस की आती है, तो जब कभी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस का ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। वही सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को अक्षय कुमार के किरदार में बदलाव करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार को भगवान के रूप में नहीं बल्कि भगवान के दूत के रूप में पेश किया जाए, लेकिन अक्षय कहीं कहीं भगवान की ही तरह एक्ट करते दिखे। वो ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी से ये कहते हैं, तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो। इसके जवाब में पंकज त्रिपाठी कहते हैं, शिव का दास। फिर अक्षय कुमार उन्हें टोकते हुए कहते हैं, नहीं सीप के पास। OMG 2 और गदर 2 के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर फूटा सनी देओल का गुस्सा, क्या बोले पाजी। सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसी दिन अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 भी रिलीज होगी। एक ही दिन दो बड़े सितारों की फिल्म पर्दे पर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन दोनों ही टॉप स्टार की फिल्मों के क्लैश को लेकर भी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। अब खुद सनी देओल ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर रिएक्ट किया है, जहां एक तरफ सनी देओल की फिल्म गदर 2 तारा सिंह और सकीना की कहानी को लेकर आ रही है, वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार की बैक टू बैक फ्लॉप हो रही फिल्मों के बाद एक और फिल्म OMG 2 रिलीज होने वाली है। अक्षय के करियर के लिए ये फिल्म बेहद खास है, खुद एक्टर को भी इस फिल्म से काफी उम्मीद है कि ये उनके करियर को नई दिशा दे सकती है। इन दो फिल्मों के क्लैश को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है। अब तो गदर 2 के एक्टर तारा सिंह यानी खुद सनी देओल ने इन फिल्मों के क्लैश को लेकर बयान दिया है। सिल्वर स्क्रीन पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को एक ही दिन रिलीज होने वाली है। ऐसे में बड़े पर्दे पर गदर 2 और OMG 2 के बीच महाक्लैश देखने को मिलेगा। हाल ही में अक्षय कुमार की OMG 2 के क्लैश पर सनी देओल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि साल 2001 में उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा आमिर खान की लगन के साथ क्लैश हुई थी। एक्टर ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि लोग फिल्मों को कंपेयर क्यों करने लगते हैं। 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा के कलेक्शन को याद करते हुए बताया, गदर ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। लोगों को लगा कि ये मसाला फिल्म है, ये पुरानी टाइप की फिल्म होगी। वही दूसरी ओर लोगों का मानना था कि लगन एक क्लासिक फिल्म है। आगे सनी देओल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ लोगों ने तो रिलीज से पहले ही गदर को लेकर भी काफी कुछ उल्टी सीधी बातें की थी, लेकिन बाद में यही फिल्म लोगों की पहली पसंद बन गई थी। लोगों ने फिल्म को दिल खोल कर प्यार दिया और फिल्म पर खूब प्यार लुटाया। मुझे याद है कि अवार्ड शो में उन्होंने गदर का मजाक बनाया था, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर फिल्म की अपनी अलग कहानी होती है जिसकी कोई बराबरी नहीं होती, उसकी तुलना क्यों की जाती है। ऐसा ही मेरे कुछ बाकी फिल्मों के साथ भी हुआ है, जैसे घायल का भी दिल के साथ तुलना की गई थी। इनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। बावजूद इसके लोग को फिल्मों को कंपेयर करना अच्छा लगता है। अच्छा या बुरा, कैसा है अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर, जाने रिव्यू। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बता दे, फैंस अक्षय की इस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए संशोधन करने और सर्टिफिकेट प्राप्त करने में इतनी देरी हो गई कि मेकर्स ने बिना किसी इवेंट के लिए ट्रेलर लॉन्च कर दिया। यूं तो OMG 2 का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला था, लेकिन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के बाद रिलीज टल गई और आज आखिरकार ट्रेलर रिलीज हो गया। अब सवाल उठ गया ये कि क्या फैंस के इंतजार का फल मीठा निकला या नहीं, आइए जानते हैं। OMG 2 का ट्रेलर ठीक ठाक लगा, कहीं कहीं रोंगटे खड़े हुए, कहीं पंकज त्रिपाठी के डायलॉग्स पर हंसी आई तो कहीं वाह कहने का मन भी किया। अक्षय कुमार की भी एक्टिंग काफी अच्छी लगी। पिछले काफी समय से लोग उनकी एक्टिंग की आलोचना कर रहे थे,
लोगों का कहना था कि वो फिल्म को समय पर खत्म करने के चक्कर में मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों की इस शिकायत को दूर कर दिया। ट्रेलर से ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने इस किरदार में जान फूंकने के लिए काफी मेहनत की है। अपने लुक के साथ साथ डांस पर भी काफी काम किया है। OMG 2 का ट्रेलर उतना दमदार नहीं लगा। बहुत सारी चीजें OMG की कॉपी लगी, जैसे पंकज त्रिपाठी का वो डायलॉग, आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती है, आप अपाहिज हो गए महाराज, आप चालक पर केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर, ऐसा ही डायलॉग परेश रावल ने OMG में बोला था। उन्होंने कहा था, वकील साहब आपके घर में बिजली रिलायंस की आती है, तो जब कभी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस का ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। वही सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को अक्षय कुमार के किरदार में बदलाव करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार को भगवान के रूप में नहीं बल्कि भगवान के दूत के रूप में पेश किया जाए, लेकिन अक्षय कहीं कहीं भगवान की ही तरह एक्ट करते दिखे। वो ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी से ये कहते हैं, तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो। इसके जवाब में पंकज त्रिपाठी कहते हैं, शिव का दास। फिर अक्षय कुमार उन्हें टोकते हुए कहते हैं, नहीं शिव के पास। OMG 2 और गदर 2 के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर फूटा सनी देओल का गुस्सा, क्या बोले पाजी। सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसी दिन अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 भी रिलीज होगी। एक ही दिन दो बड़े सितारों की फिल्म पर्दे पर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन दोनों ही टॉप स्टार की फिल्मों के क्लैश को लेकर भी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। अब खुद सनी देओल ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर रिएक्ट किया है, जहां एक तरफ सनी देओल की फिल्म गदर 2 तारा सिंह और सकीना की कहानी को लेकर आ रही है, वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार की बैक टू बैक फ्लॉप हो रही फिल्मों के बाद एक और फिल्म OMG 2 रिलीज होने वाली है। अक्षय के करियर के लिए ये फिल्म बेहद खास है, खुद एक्टर को भी इस फिल्म से काफी उम्मीद है कि ये उनके करियर को नई दिशा दे सकती है। इन दो फिल्मों के क्लैश को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है। अब तो गदर 2 के एक्टर तारा सिंह यानी खुद सनी देओल ने इन फिल्मों के क्लैश को लेकर बयान दिया है। सिल्वर स्क्रीन पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को एक ही दिन रिलीज होने वाली है। ऐसे में बड़े पर्दे पर गदर 2 और OMG 2 के बीच महाक्लैश देखने को मिलेगा। हाल ही में अक्षय कुमार की OMG 2 के क्लैश पर सनी देओल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि साल 2001 में उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा आमिर खान की लगन के साथ क्लैश हुई थी। एक्टर ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि लोग फिल्मों को कंपेयर क्यों करने लगते हैं। 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा के कलेक्शन को याद करते हुए बताया, गदर ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। लोगों को लगा कि ये मसाला फिल्म है, ये पुरानी टाइप की फिल्म होगी। वहीं दूसरी ओर लोगों का मानना था कि लगन एक क्लासिक फिल्म है। आगे सनी देओल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ लोगों ने तो रिलीज से पहले ही गदर को लेकर भी काफी कुछ उल्टी सीधी बातें की थी, लेकिन बाद में यही फिल्म लोगों की पहली पसंद बन गई थी। लोगों ने फिल्म को दिल खोल कर प्यार दिया और फिल्म पर खूब प्यार लुटाया। मुझे याद है कि अवार्ड शो में उन्होंने गदर का मजाक बनाया था, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर फिल्म की अपनी अलग कहानी होती है जिसके कोई बराबरी नहीं होती, उसकी तुलना क्यों की जाती है। ऐसा ही मेरे कुछ बाकी फिल्मों के साथ भी हुआ है, जैसे घायल का भी दिल के साथ तुलना की गई थी। इनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। बावजूद इसके लोग को फिल्मों को कंपेयर करना अच्छा लगता है। अच्छा या बुरा, कैसा है अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर, जाने रिव्यू। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बता दे, फैंस अक्षय की इस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे,
लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए संशोधन करने और सर्टिफिकेट प्राप्त करने में इतनी देरी हो गई कि मेकर्स ने बिना किसी इवेंट के लिए ट्रेलर लॉन्च कर दिया। यूं तो OMG 2 का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला था, लेकिन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के बाद रिलीज टल गई और आज आखिरकार ट्रेलर रिलीज हो गया। अब सवाल उठ गया ये कि क्या फैंस के इंतजार का फल मीठा निकला या नहीं, आइए जानते हैं। OMG 2 का ट्रेलर ठीक ठाक लगा, कहीं कहीं रोंगटे खड़े हुए, कहीं पंकज त्रिपाठी के डायलॉग्स पर हंसी आई तो कहीं वाह कहने का मन भी किया। अक्षय कुमार की भी एक्टिंग काफी अच्छी लगी। पिछले काफी समय से लोग उनकी एक्टिंग की आलोचना कर रहे थे। लोगों का कहना था कि वो फिल्म को समय पर खत्म करने के चक्कर में मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों की इस शिकायत को दूर कर दिया। ट्रेलर से ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने इस किरदार में जान फूंकने के लिए काफी मेहनत की है, अपने लुक के साथ साथ डांस पर भी काफी काम किया है। OMG 2 का ट्रेलर उतना दमदार नहीं लगा, बहुत सारी चीजें OMG की कॉपी लगी, जैसे पंकज त्रिपाठी का वो डायलॉग, आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती है, आप अपाहिज हो गए महाराज, आप चालक पर केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर, ऐसा ही डायलॉग परेश रावल ने OMG में बोला था। उन्होंने कहा था, वकील साहब आपके घर में बिजली रिलायंस की आती है, तो जब कभी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस का ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। वही सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को अक्षय कुमार के किरदार में बदलाव करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार को भगवान के रूप में नहीं बल्कि भगवान के दूत के रूप में पेश किया जाए, लेकिन अक्षय कहीं कहीं भगवान की ही तरह एक्ट करते दिखे। वो ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी से ये कहते हैं, तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो। इसके जवाब में पंकज त्रिपाठी कहते हैं, शिव का दास। फिर अक्षय कुमार उन्हें टोकते हुए कहते हैं, नहीं शिव के पास। OMG 2 और गदर 2 के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर फूटा सनी देओल का गुस्सा, क्या बोले पाजी। सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसी दिन अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 भी रिलीज होगी। एक ही दिन दो बड़े सितारों की फिल्म पर्दे पर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन दोनों ही टॉप स्टार की फिल्मों के क्लैश को लेकर भी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। अब खुद सनी देओल ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर रिएक्ट किया है, जहां एक तरफ सनी देओल की फिल्म गदर 2 तारा सिंह और सकीना की कहानी को लेकर आ रही है, वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार की बैक टू बैक फ्लॉप हो रही फिल्मों के बाद एक और फिल्म OMG 2 रिलीज होने वाली है। अक्षय के करियर के लिए ये फिल्म बेहद खास है, खुद एक्टर को भी इस फिल्म से काफी उम्मीद है कि ये उनके करियर को नई दिशा दे सकती है। इन दो फिल्मों के क्लैश को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है। अब तो गदर 2 के एक्टर तारा सिंह यानी खुद सनी देओल ने इन फिल्मों के क्लैश को लेकर बयान दिया है। सिल्वर स्क्रीन पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को एक ही दिन रिलीज होने वाली है। ऐसे में बड़े पर्दे पर गदर 2 और OMG 2 के बीच महाक्लैश देखने को मिलेगा। हाल ही में अक्षय कुमार की OMG 2 के क्लैश पर सनी देओल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि साल 2001 में उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा आमिर खान की लगन के साथ क्लैश हुई थी। एक्टर ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि लोग फिल्मों को कंपेयर क्यों करने लगते हैं। 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा की कलेक्शन को याद करते हुए बताया, गदर ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। लोगों को लगा कि ये मसाला फिल्म है, ये पुरानी टाइप की फिल्म होगी। वहीं दूसरी ओर लोगों का मानना था कि लगन एक क्लासिक फिल्म है। आगे सनी देओल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ लोगों ने तो रिलीज से पहले ही गदर को लेकर भी काफी कुछ उल्टी सीधी बातें की थी, लेकिन बाद में यही फिल्म लोगों की पहली पसंद बन गई थी। लोगों ने फिल्म को दिल खोल कर प्यार दिया और फिल्म पर खूब प्यार लुटाया। मुझे याद है कि अवार्ड शो में उन्होंने गदर का मजाक बनाया था, लेकिन हमें
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर फिल्म की अपनी अलग कहानी होती है जिसकी कोई बराबरी नहीं होती, उसकी तुलना क्यों की जाती है। ऐसा ही मेरे कुछ बाकी फिल्मों के साथ भी हुआ है, जैसे घायल का भी दिल के साथ तुलना की गई थी। इनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। बावजूद इसके लोग को फिल्मों को कंपेयर करना अच्छा लगता है। अच्छा या बुरा, कैसा है अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर, जाने रिव्यू। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बता दें, फैंस अक्षय की इस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए संशोधन करने और सर्टिफिकेट प्राप्त करने में इतनी देरी हो गई कि मेकर्स ने बिना किसी इवेंट के लिए ट्रेलर लॉन्च कर दिया। यूं तो OMG 2 का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला था, लेकिन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के बाद रिलीज टल गई और आज आखिरकार ट्रेलर रिलीज हो गया। अब सवाल उठ गया ये कि क्या फैंस के इंतजार का फल मीठा निकला या नहीं, आइए जानते हैं। OMG 2 का ट्रेलर ठीक ठाक लगा, कहीं कहीं रोंगटे खड़े हुए, कहीं पंकज त्रिपाठी के डायलॉग्स पर हंसी आई तो कहीं वाह कहने का मन भी किया। अक्षय कुमार की भी एक्टिंग काफी अच्छी लगी। पिछले काफी समय से लोग उनकी एक्टिंग की आलोचना कर रहे थे। लोगों का कहना था कि वो फिल्म को समय पर खत्म करने के चक्कर में मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों की इस शिकायत को दूर कर दिया। ट्रेलर से ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने इस किरदार में जान फूंकने के लिए काफी मेहनत की है। अपने लुक के साथ साथ डांस पर भी काफी काम किया है। OMG 2 का ट्रेलर उतना दमदार नहीं लगा। बहुत सारी चीजें OMG की कॉपी लगी, जैसे पंकज त्रिपाठी का वो डायलॉग, आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती है, आप अपाहिज हो गए महाराज, आप चालक पर केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर, ऐसा ही डायलॉग परेश रावल ने OMG में बोला था। उन्होंने कहा था, वकील साहब आपके घर में बिजली रिलायंस की आती है, तो जब कभी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस का ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। वही सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को अक्षय कुमार के किरदार में बदलाव करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार को भगवान के रूप में नहीं बल्कि भगवान के दूत के रूप में पेश किया जाए, लेकिन अक्षय कहीं कहीं भगवान की ही तरह एक्ट करते दिखे। वो ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी से ये कहते हैं, तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो। इसके जवाब में पंकज त्रिपाठी कहते हैं, शिव का दास। फिर अक्षय कुमार उन्हें टोकते हुए कहते हैं, नहीं शिव के पास। OMG 2 और गदर 2 के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर फूटा सनी देओल का गुस्सा, क्या बोले पाजी। सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसी दिन अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 भी रिलीज होगी। एक ही दिन दो बड़े सितारों की फिल्म पर्दे पर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन दोनों ही टॉप स्टार की फिल्मों के क्लैश को लेकर भी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। अब खुद सनी देओल ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर रिएक्ट किया है, जहां एक तरफ सनी देओल की फिल्म गदर 2 तारा सिंह और सकीना की कहानी को लेकर आ रही है, वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार की बैक टू बैक फ्लॉप हो रही फिल्मों के बाद एक और फिल्म OMG 2 रिलीज होने वाली है। अक्षय के करियर के लिए ये फिल्म बेहद खास है, खुद एक्टर को भी इस फिल्म से काफी उम्मीद है कि ये उनके करियर को नई दिशा दे सकती है। इन दो फिल्मों के क्लैश को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है। अब तो गदर 2 के एक्टर तारा सिंह यानी खुद सनी देओल ने इन फिल्मों के क्लैश को लेकर बयान दिया है। सिल्वर स्क्रीन पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को एक ही दिन रिलीज होने वाली है। ऐसे में बड़े पर्दे पर गदर 2 और OMG 2 के बीच महाक्लैश देखने को मिलेगा। हाल ही में अक्षय कुमार की OMG 2 के क्लैश पर सनी देओल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि साल 2001 में उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा आमिर खान की लगन के साथ क्लैश हुई थी। एक्टर ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि लोग फिल्मों को कंपेयर
क्यों करने लगते हैं। 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा के कलेक्शन को याद करते हुए बताया, गदर ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। लोगों को लगा कि ये मसाला फिल्म है, ये पुरानी टाइप की फिल्म होगी। वही दूसरी ओर लोगों का मानना था कि लगन एक क्लासिक फिल्म है। आगे सनी देओल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ लोगों ने तो रिलीज से पहले ही गदर को लेकर भी काफी कुछ उल्टी सीधी बातें की थी, लेकिन बाद में यही फिल्म लोगों की पहली पसंद बन गई थी। लोगों ने फिल्म को दिल खोलकर प्यार दिया और फिल्म पर खूब प्यार लुटाया। मुझे याद है कि अवार्ड शो में उन्होंने गदर का मजाक बनाया था, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर फिल्म की अपनी अलग कहानी होती है जिसके कोई बराबरी नहीं होती, उसकी तुलना क्यों की जाती है। ऐसा ही मेरे कुछ बाकी फिल्मों के साथ भी हुआ है, जैसे घायल का भी दिल के साथ तुलना की गई थी। इनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। बावजूद इसके लोग को फिल्मों को कंपेयर करना अच्छा लगता है। अच्छा या बुरा, कैसा है अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर, जाने रिव्यू। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बता दे, फैंस अक्षय की इस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए संशोधन करने और सर्टिफिकेट प्राप्त करने में इतनी देरी हो गई कि मेकर्स ने बिना किसी इवेंट के लिए ट्रेलर लॉन्च कर दिया। यूं तो OMG 2 का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला था, लेकिन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के बाद रिलीज टल गई और आज आखिरकार ट्रेलर रिलीज हो गया। अब सवाल उठ गया ये कि क्या फैंस के इंतजार का फल मीठा निकला या नहीं, आइए जानते हैं। OMG 2 का ट्रेलर ठीक ठाक लगा, कहीं कहीं रोंगटे खड़े हुए, कहीं पंकज त्रिपाठी के डायलॉग्स पर हंसी आई तो कहीं वाह कहने का मन भी किया। अक्षय कुमार की भी एक्टिंग काफी अच्छी लगी। पिछले काफी समय से लोग उनकी एक्टिंग की आलोचना कर रहे थे। लोगों का कहना था कि वो फिल्म को समय पर खत्म करने के चक्कर में मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों की इस शिकायत को दूर कर दिया। ट्रेलर से ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने इस किरदार में जान फूंकने के लिए काफी मेहनत की है, अपने लुक के साथ साथ डांस पर भी काफी काम किया है। OMG 2 का ट्रेलर उतना दमदार नहीं लगा, बहुत सारी चीजें OMG की कॉपी लगी, जैसे पंकज त्रिपाठी का वो डायलॉग, आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती है, आप अपाहिज हो गए महाराज, आप चालक पर केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर, ऐसा ही डायलॉग परेश रावल ने OMG में बोला था। उन्होंने कहा था, वकील साहब आपके घर में बिजली रिलायंस की आती है, तो जब कभी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस का ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। वही सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को अक्षय कुमार के किरदार में बदलाव करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार को भगवान के रूप में नहीं बल्कि भगवान के दूत के रूप में पेश किया जाए, लेकिन अक्षय कहीं कहीं भगवान की ही तरह एक्ट करते दिखे। वो ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी से ये कहते हैं, तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो। इसके जवाब में पंकज त्रिपाठी कहते हैं, शिव का दास। फिर अक्षय कुमार उन्हें टोकते हुए कहते हैं, नहीं शिव के पास। OMG 2 और गदर 2 के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर फूटा सनी देओल का गुस्सा, क्या बोले पाजी। सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसी दिन अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 भी रिलीज होगी। एक ही दिन दो बड़े सितारों की फिल्म पर्दे पर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन दोनों ही टॉप स्टार की फिल्मों के क्लैश को लेकर भी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। अब खुद सनी देओल ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर रिएक्ट किया है, जहां एक तरफ सनी देओल की फिल्म गदर 2 तारा सिंह और सकीना की कहानी को लेकर आ रही है, वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार की बैक टू बैक फ्लॉप हो रही फिल्मों के बाद एक और फिल्म OMG 2 रिलीज होने वाली है। अक्षय के करियर के लिए ये फिल्म बेहद खास है, खुद एक्टर को भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं कि ये उनके करियर को नई दिशा दे सकती है।
इन दो फिल्मों के क्लैश को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है। अब तो गदर 2 के एक्टर तारा सिंह यानी खुद सनी देओल ने इन फिल्मों के क्लैश को लेकर बयान दिया है। सिल्वर स्क्रीन पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर होने वाली है क्योंकि ये दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को एक ही दिन रिलीज होने वाली है। ऐसे में बड़े पर्दे पर गदर 2 और OMG 2 के बीच महाक्लैश देखने को मिलेगा। हाल ही में अक्षय कुमार की OMG 2 के क्लैश पर सनी देओल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि साल 2001 में उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा आमिर खान की लगन के साथ क्लैश हुई थी। एक्टर ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि लोग फिल्मों को कंपेयर क्यों करने लगते हैं। 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा की कलेक्शन को याद करते हुए बताया, गदर ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। लोगों को लगा कि ये मसाला फिल्म है, ये पुरानी टाइप की फिल्म होगी। वही दूसरी ओर लोगों का मानना था कि लगन एक क्लासिक फिल्म है। आगे सनी देओल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ लोगों ने तो रिलीज से पहले ही गदर को लेकर भी काफी कुछ उल्टी सीधी बातें की थी, लेकिन बाद में यही फिल्म लोगों की पहली पसंद बन गई थी। लोगों ने फिल्म को दिल खोल कर प्यार दिया और फिल्म पर खूब प्यार लुटाया। मुझे याद है कि अवार्ड शो में उन्होंने गदर का मजाक बनाया था, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर फिल्म की अपनी अलग कहानी होती है जिसकी कोई बराबरी नहीं होती, उसकी तुलना क्यों की जाती है। ऐसा ही मेरे कुछ बाकी फिल्मों के साथ भी हुआ है, जैसे घायल का भी दिल के साथ तुलना की गई थी। इनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। बावजूद इसके लोग को फिल्मों को कंपेयर करना अच्छा लगता है। अच्छा या बुरा, कैसा है अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर, जाने रिव्यू। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बता दें, फैंस अक्षय की इस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए संशोधन करने और सर्टिफिकेट प्राप्त करने में इतनी देरी हो गई कि मेकर्स ने बिना किसी इवेंट के लिए ट्रेलर लॉन्च कर दिया। यूं तो OMG 2 का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला था, लेकिन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के बाद रिलीज टल गई और आज आखिरकार ट्रेलर रिलीज हो गया। अब सवाल उठ गया ये कि क्या फैंस के इंतजार का फल मीठा निकला या नहीं, आइए जानते हैं। OMG 2 का ट्रेलर ठीक ठाक लगा, कहीं कहीं रोंगटे खड़े हुए, कहीं पंकज त्रिपाठी के डायलॉग्स पर हंसी आई तो कहीं वाह कहने का मन भी किया। अक्षय कुमार की भी एक्टिंग काफी अच्छी लगी। पिछले काफी समय से लोग उनकी एक्टिंग की आलोचना कर रहे थे। लोगों का कहना था कि वो फिल्म को समय पर खत्म करने के चक्कर में मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों की इस शिकायत को दूर कर दिया। ट्रेलर से ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने इस किरदार में जान फूंकने के लिए काफी मेहनत की है। अपने लुक के साथ साथ डांस पर भी काफी काम किया है। OMG 2 का ट्रेलर उतना दमदार नहीं लगा, बहुत सारी चीजें OMG की कॉपी लगी, जैसे पंकज त्रिपाठी का वो डायलॉग, आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती है, आप अपाहिज हो गए महाराज, आप चालक पर केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर, ऐसा ही डायलॉग परेश रावल ने OMG में बोला था। उन्होंने कहा था, वकील साहब आपके घर में बिजली रिलायंस की आती है, तो जब कभी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस का ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। वही सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को अक्षय कुमार के किरदार में बदलाव करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार को भगवान के रूप में नहीं बल्कि भगवान के दूत के रूप में पेश किया जाए, लेकिन अक्षय कहीं कहीं भगवान की ही तरह एक्ट करते दिखे। वो ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी से ये कहते हैं, तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो। इसके जवाब में पंकज त्रिपाठी कहते हैं, शिव का दास। फिर अक्षय कुमार उन्हें टोकते हुए कहते हैं, नहीं शिव के पास। OMG 2 और गदर 2 के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर फूटा सनी देओल का गुस्सा, क्या बोले पाजी। सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है।
इसी दिन अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 भी रिलीज होगी। एक ही दिन दो बड़े सितारों की फिल्म पर्दे पर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन दोनों ही टॉप स्टार की फिल्मों के क्लैश को लेकर भी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। अब खुद सनी देओल ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर रिएक्ट किया है, जहां एक तरफ सनी देओल की फिल्म गदर 2 तारा सिंह और सकीना की कहानी को लेकर आ रही है, वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार की बैक टू बैक फ्लॉप हो रही फिल्मों के बाद एक और फिल्म OMG 2 रिलीज होने वाली है। अक्षय के करियर के लिए ये फिल्म बेहद खास है, खुद एक्टर को भी इस फिल्म से काफी उम्मीद है कि ये उनके करियर को नई दिशा दे सकती है। इन दो फिल्मों के क्लैश को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है। अब तो गदर 2 के एक्टर तारा सिंह यानी खुद सनी देओल ने इन फिल्मों के क्लैश को लेकर बयान दिया है। सिल्वर स्क्रीन पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को एक ही दिन रिलीज होने वाली है। ऐसे में बड़े पर्दे पर गदर 2 और OMG 2 के बीच महाक्लैश देखने को मिलेगा। हाल ही में अक्षय कुमार की OMG 2 के क्लैश पर सनी देओल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि साल 2001 में उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा आमिर खान की लगन के साथ क्लैश हुई थी। एक्टर ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि लोग फिल्मों को कंपेयर क्यों करने लगते हैं। 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा के कलेक्शन को याद करते हुए बताया, गदर ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। लोगों को लगा कि ये मसाला फिल्म है, ये पुरानी टाइप की फिल्म होगी। वहीं दूसरी ओर लोगों का मानना था कि लगन एक क्लासिक फिल्म है। आगे सनी देओल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ लोगों ने तो रिलीज से पहले ही गदर को लेकर भी काफी कुछ उल्टी सीधी बातें की थी, लेकिन बाद में यही फिल्म लोगों की पहली पसंद बन गई थी। लोगों ने फिल्म को दिल खोल कर प्यार दिया और फिल्म पर खूब प्यार लुटाया। मुझे याद है कि अवार्ड शो में उन्होंने गदर का मजाक बनाया था, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर फिल्म की अपनी अलग कहानी होती है जिसकी कोई बराबरी नहीं होती, उसकी तुलना क्यों की जाती है। ऐसा ही मेरे कुछ बाकी फिल्मों के साथ भी हुआ है, जैसे घायल का भी दिल के साथ तुलना की गई थी। इनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। बावजूद इसके लोग को फिल्मों को कंपेयर करना अच्छा लगता है। अच्छा या बुरा, कैसा है अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर, जाने रिव्यू। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बता दे, फैंस अक्षय की इस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए संशोधन करने और सर्टिफिकेट प्राप्त करने में इतनी देरी हो गई कि मेकर्स ने बिना किसी इवेंट के लिए ट्रेलर लॉन्च कर दिया। यूं तो OMG 2 का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला था, लेकिन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के बाद रिलीज टल गई और आज आखिरकार ट्रेलर रिलीज हो गया। अब सवाल उठ गया ये कि क्या फैंस के इंतजार का फल मीठा निकला या नहीं, आइए जानते हैं। OMG 2 का ट्रेलर ठीक ठाक लगा, कहीं कहीं रोंगटे खड़े हुए, कहीं पंकज त्रिपाठी के डायलॉग्स पर हंसी आई तो कहीं वाह कहने का मन भी किया। अक्षय कुमार की भी एक्टिंग काफी अच्छी लगी। पिछले काफी समय से लोग उनकी एक्टिंग की आलोचना कर रहे थे। लोगों का कहना था कि वो फिल्म को समय पर खत्म करने के चक्कर में मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों की इस शिकायत को दूर कर दिया। ट्रेलर से ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने इस किरदार में जान फूंकने के लिए काफी मेहनत की है। अपने लुक के साथ साथ डांस पर भी काफी काम किया है। OMG 2 का ट्रेलर उतना दमदार नहीं लगा, बहुत सारी चीजें OMG की कॉपी लगी, जैसे पंकज त्रिपाठी का वो डायलॉग, आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती है, आप अपाहिज हो गए महाराज, आप चालक पर केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर, ऐसा ही डायलॉग परेश रावल ने OMG में बोला था। उन्होंने कहा था, वकील साहब आपके घर में बिजली रिलायंस की आती है, तो जब कभी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस का ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना।
वहीं सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को अक्षय कुमार के किरदार में बदलाव करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार को भगवान के रूप में नहीं बल्कि भगवान के दूत के रूप में पेश किया जाए, लेकिन अक्षय कहीं कहीं भगवान की ही तरह एक्ट करते दिखे। वो ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी से ये कहते हैं, तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो। इसके जवाब में पंकज त्रिपाठी कहते हैं, शिव का दास। फिर अक्षय कुमार उन्हें टोकते हुए कहते हैं, नहीं शिव के पास। OMG 2 और गदर 2 के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर फूटा सनी देओल का गुस्सा, क्या बोले पाजी। सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसी दिन अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 भी रिलीज होगी। एक ही दिन दो बड़े सितारों की फिल्म पर्दे पर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन दोनों ही टॉप स्टार की फिल्मों के क्लैश को लेकर भी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। अब खुद सनी देओल ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर रिएक्ट किया है, जहां एक तरफ सनी देओल की फिल्म गदर 2 तारा सिंह और सकीना की कहानी को लेकर आ रही है, वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार की बैक टू बैक फ्लॉप हो रही फिल्मों के बाद एक और फिल्म OMG 2 रिलीज होने वाली है। अक्षय के करियर के लिए ये फिल्म बेहद खास है। खुद एक्टर को भी इस फिल्म से काफी उम्मीद है कि ये उनके करियर को नई दिशा दे सकती है। इन दो फिल्मों के क्लैश को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है। अब तो गदर 2 के एक्टर तारा सिंह यानी खुद सनी देओल ने इन फिल्मों के क्लैश को लेकर बयान दिया है। सिल्वर स्क्रीन पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को एक ही दिन रिलीज होने वाली है। ऐसे में बड़े पर्दे पर गदर 2 और OMG 2 के बीच महाक्लैश देखने को मिलेगा। हाल ही में अक्षय कुमार की OMG 2 के क्लैश पर सनी देओल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि साल 2001 में उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा आमिर खान की लगन के साथ क्लैश हुई थी। एक्टर ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि लोग फिल्मों को कंपेयर क्यों करने लगते हैं। 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा के कलेक्शन को याद करते हुए बताया, गदर ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। लोगों को लगा कि ये मसाला फिल्म है, ये पुरानी टाइप की फिल्म होगी। वहीं दूसरी ओर लोगों का मानना था कि लगन एक क्लासिक फिल्म है। आगे सनी देओल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ लोगों ने तो रिलीज से पहले ही गदर को लेकर भी काफी कुछ उल्टी सीधी बातें की थी, लेकिन बाद में यही फिल्म लोगों की पहली पसंद बन गई थी। लोगों ने फिल्म को दिल खोल कर प्यार दिया और फिल्म पर खूब प्यार लुटाया। मुझे याद है कि अवार्ड शो में उन्होंने गदर का मजाक बनाया था, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर फिल्म की अपनी अलग कहानी होती है जिसके कोई बराबरी नहीं होती, उसकी तुलना क्यों की जाती है। ऐसा ही मेरे कुछ बाकी फिल्मों के साथ भी हुआ है, जैसे घायल का भी दिल के साथ तुलना की गई थी। इनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। बावजूद इसके लोग को फिल्मों को कंपेयर करना अच्छा लगता है। अच्छा या बुरा, कैसा है अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर, जाने रिव्यू। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बता दे फैंस अक्षय की इस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए संशोधन करने और सर्टिफिकेट प्राप्त करने में इतनी देरी हो गई कि मेकर्स ने बिना किसी इवेंट के लिए ट्रेलर लॉन्च कर दिया। यूं तो OMG 2 का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला था, लेकिन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के बाद रिलीज टल गई और आज आखिरकार ट्रेलर रिलीज हो गया। अब सवाल उठ गया ये कि क्या फैंस के इंतजार का फल मीठा निकला या नहीं, आइए जानते हैं। OMG 2 का ट्रेलर ठीक ठाक लगा, कहीं कहीं रोंगटे खड़े हुए, कहीं पंकज त्रिपाठी के डायलॉग्स पर हंसी आई तो कहीं वाह कहने का मन भी किया। अक्षय कुमार की भी एक्टिंग काफी अच्छी लगी। पिछले काफी समय से लोग उनकी एक्टिंग की आलोचना कर रहे थे। लोगों का कहना था कि वो फिल्म को समय पर खत्म करने के चक्कर में मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों की इस शिकायत को दूर कर दिया। ट्रेलर से ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने इस किरदार में जान फूंकने के लिए काफी मेहनत की है। अपने लुक के साथ साथ डांस पर भी काफी काम किया है।
OMG 2 का ट्रेलर उतना दमदार नहीं लगा। बहुत सारी चीजें OMG की कॉपी लगी, जैसे पंकज त्रिपाठी का वो डायलॉग, आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती है, आप अपाहिज हो गए महाराज, आप चालक पर केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर। ऐसा ही डायलॉग परेश रावल ने OMG में बोला था। उन्होंने कहा था, वकील साहब आपके घर में बिजली रिलायंस की आती है, तो जब कभी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस का ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। वही सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को अक्षय कुमार के किरदार में बदलाव करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार को भगवान के रूप में नहीं बल्कि भगवान के दूत के रूप में पेश किया जाए, लेकिन अक्षय कहीं कहीं भगवान की ही तरह एक्ट करते दिखे। वो ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी से ये कहते हैं, तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो। इसके जवाब में पंकज त्रिपाठी कहते हैं, शिव का दास। फिर अक्षय कुमार उन्हें टोकते हुए कहते हैं, नहीं शिव के पास। OMG 2 और गदर 2 के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर फूटा सनी देओल का गुस्सा, क्या बोले पाजी। सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसी दिन अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 भी रिलीज होगी। एक ही दिन दो बड़े सितारों की फिल्म पर्दे पर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन दोनों ही टॉप स्टार की फिल्मों के क्लैश को लेकर भी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। अब खुद सनी देओल ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर रिएक्ट किया है, जहां एक तरफ सनी देओल की फिल्म गदर 2 तारा सिंह और सकीना की कहानी को लेकर आ रही है, वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार की बैक टू बैक फ्लॉप हो रही फिल्मों के बाद एक और फिल्म OMG 2 रिलीज होने वाली है। अक्षय के करियर के लिए ये फिल्म बेहद खास है, खुद एक्टर को भी इस फिल्म से काफी उम्मीद है कि ये उनके करियर को नई दिशा दे सकती है। इन दो फिल्मों के क्लैश को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है। अब तो गदर 2 के एक्टर तारा सिंह यानी खुद सनी देओल ने इन फिल्मों के क्लैश को लेकर बयान दिया है। सिल्वर स्क्रीन पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को एक ही दिन रिलीज होने वाली है। ऐसे में बड़े पर्दे पर गदर 2 और OMG 2 के बीच महाक्लैश देखने को मिलेगा। हाल ही में अक्षय कुमार की OMG 2 के क्लैश पर सनी देओल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि साल 2001 में उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा आमिर खान की लगन के साथ क्लैश हुई थी। एक्टर ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि लोग फिल्मों को कंपेयर क्यों करने लगते हैं। 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा की कलेक्शन को याद करते हुए बताया, गदर ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। लोगों को लगा कि ये मसाला फिल्म है, ये पुरानी टाइप की फिल्म होगी। वहीं दूसरी ओर लोगों का मानना था कि लगन एक क्लासिक फिल्म है। आगे सनी देओल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ लोगों ने तो रिलीज से पहले ही गदर को लेकर भी काफी कुछ उल्टी सीधी बातें की थी, लेकिन बाद में यही फिल्म लोगों की पहली पसंद बन गई थी। लोगों ने फिल्म को दिल खोल कर प्यार दिया और फिल्म पर खूब प्यार लुटाया। मुझे याद है कि अवार्ड शो में उन्होंने गदर का मजाक बनाया था, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर फिल्म की अपनी अलग कहानी होती है जिसकी कोई बराबरी नहीं होती, उसकी तुलना क्यों की जाती है। ऐसा ही मेरे कुछ बाकी फिल्मों के साथ भी हुआ है, जैसे घायल का भी दिल के साथ तुलना की गई थी। इनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। बावजूद इसके लोग को फिल्मों को कंपेयर करना अच्छा लगता है। अच्छा या बुरा, कैसा है अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर, जाने रिव्यू। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बता दे, फैंस अक्षय की इस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए संशोधन करने और सर्टिफिकेट प्राप्त करने में इतनी देरी हो गई कि मेकर्स ने बिना किसी इवेंट के लिए ट्रेलर लॉन्च कर दिया। यूं तो OMG 2 का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला था, लेकिन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के बाद रिलीज टल गई और आज आखिरकार ट्रेलर रिलीज हो गया। अब सवाल उठ गया ये कि
क्या फैंस के इंतजार का फल मीठा निकला या नहीं, आइए जानते हैं। OMG 2 का ट्रेलर ठीक ठाक लगा, कहीं कहीं रोंगटे खड़े हुए, कहीं पंकज त्रिपाठी के डायलॉग्स पर हंसी आई तो कहीं वाह कहने का मन भी किया। अक्षय कुमार की भी एक्टिंग काफी अच्छी लगी। पिछले काफी समय से लोग उनकी एक्टिंग की आलोचना कर रहे थे। लोगों का कहना था कि वो फिल्म को समय पर खत्म करने के चक्कर में मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों की इस शिकायत को दूर कर दिया। ट्रेलर से ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने इस किरदार में जान फूंकने के लिए काफी मेहनत की है। अपने लुक के साथ साथ डांस पर भी काफी काम किया है। OMG 2 का ट्रेलर उतना दमदार नहीं लगा। बहुत सारी चीजें OMG की कॉपी लगी, जैसे पंकज त्रिपाठी का वो डायलॉग, आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती है, आप अपाहिज हो गए महाराज, आप चालक पर केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर, ऐसा ही डायलॉग परेश रावल ने OMG में बोला था। उन्होंने कहा था, वकील साहब आपके घर में बिजली रिलायंस की आती है, तो जब कभी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस का ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। वही सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को अक्षय कुमार के किरदार में बदलाव करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार को भगवान के रूप में नहीं बल्कि भगवान के दूत के रूप में पेश किया जाए, लेकिन अक्षय कहीं कहीं भगवान की ही तरह एक्ट करते दिखे। वो ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी से ये कहते हैं, तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो। इसके जवाब में पंकज त्रिपाठी कहते हैं, शिव का दास। फिर अक्षय कुमार उन्हें टोकते हुए कहते हैं, नहीं शिव के पास। OMG 2 और गदर 2 के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर फूटा सनी देओल का गुस्सा, क्या बोले पाजी। सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसी दिन अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 भी रिलीज होगी। एक ही दिन दो बड़े सितारों की फिल्म पर्दे पर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन दोनों ही टॉप स्टार की फिल्मों के क्लैश को लेकर भी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। अब खुद सनी देओल ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर रिएक्ट किया है, जहां एक तरफ सनी देओल की फिल्म गदर 2 तारा सिंह और सकीना की कहानी को लेकर आ रही है, वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार की बैक टू बैक फ्लॉप हो रही फिल्मों के बाद एक और फिल्म OMG 2 रिलीज होने वाली है। अक्षय के करियर के लिए ये फिल्म बेहद खास है, खुद एक्टर को भी इस फिल्म से काफी उम्मीद है कि ये उनके करियर को नई दिशा दे सकती है। इन दो फिल्मों के क्लैश को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है। अब तो गदर 2 के एक्टर तारा सिंह यानी खुद सनी देओल ने इन फिल्मों के क्लैश को लेकर बयान दिया है। सिल्वर स्क्रीन पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को एक ही दिन रिलीज होने वाली है। ऐसे में बड़े पर्दे पर गदर 2 और OMG 2 के बीच महाक्लैश देखने को मिलेगा। हाल ही में अक्षय कुमार की OMG 2 के क्लैश पर सनी देओल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि साल 2001 में उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा आमिर खान की लगन के साथ क्लैश हुई थी। एक्टर ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि लोग फिल्मों को कंपेयर क्यों करने लगते हैं। 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा के कलेक्शन को याद करते हुए बताया, गदर ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। लोगों को लगा कि ये मसाला फिल्म है, ये पुरानी टाइप की फिल्म होगी। वही दूसरी ओर लोगों का मानना था कि लगन एक क्लासिक फिल्म है। आगे सनी देओल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ लोगों ने तो रिलीज से पहले ही गदर को लेकर भी काफी कुछ उल्टी सीधी बातें की थी, लेकिन बाद में यही फिल्म लोगों की पहली पसंद बन गई थी। लोगों ने फिल्म को दिल खोलकर प्यार दिया और फिल्म पर खूब प्यार लुटाया। मुझे याद है कि अवार्ड शो में उन्होंने गदर का मजाक बनाया था, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर फिल्म की अपनी अलग कहानी होती है जिसके कोई बराबरी नहीं होती, उसकी तुलना क्यों की जाती है। ऐसा ही मेरे कुछ बाकी फिल्मों के साथ भी हुआ है, जैसे घायल का भी दिल के साथ तुलना की गई थी।
इनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। बावजूद इसके लोग को फिल्मों को कंपेयर करना अच्छा लगता है। अच्छा या बुरा, कैसा है अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर? जाने रिव्यू। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बता दें, फैंस अक्षय की इस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए संशोधन करने और सर्टिफिकेट प्राप्त करने में इतनी देरी हो गई कि मेकर्स ने बिना किसी इवेंट के लिए ट्रेलर लॉन्च कर दिया। यूं तो OMG 2 का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला था, लेकिन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के बाद रिलीज टल गई और आज आखिरकार ट्रेलर रिलीज हो गया। अब सवाल उठ गया ये कि क्या फैंस के इंतजार का फल मीठा निकला या नहीं, आइए जानते हैं। OMG 2 का ट्रेलर ठीक ठाक लगा, कहीं कहीं रोंगटे खड़े हुए, कहीं पंकज त्रिपाठी के डायलॉग्स पर हंसी आई तो कहीं वाह कहने का मन भी किया। अक्षय कुमार की भी एक्टिंग काफी अच्छी लगी। पिछले काफी समय से लोग उनकी एक्टिंग की आलोचना कर रहे थे। लोगों का कहना था कि वो फिल्म को समय पर खत्म करने के चक्कर में मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों की इस शिकायत को दूर कर दिया। ट्रेलर से ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने इस किरदार में जान फूंकने के लिए काफी मेहनत की है। अपने लुक के साथ साथ डांस पर भी काफी काम किया है। OMG 2 का ट्रेलर उतना दमदार नहीं लगा। बहुत सारी चीजें OMG की कॉपी लगी, जैसे पंकज त्रिपाठी का वो डायलॉग, आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती है, आप अपाहिज हो गए महाराज, आप चालक पर केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर, ऐसा ही डायलॉग परेश रावल ने OMG में बोला था। उन्होंने कहा था, वकील साहब आपके घर में बिजली रिलायंस की आती है, तो जब कभी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस का ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। वही सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को अक्षय कुमार के किरदार में बदलाव करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार को भगवान के रूप में नहीं बल्कि भगवान के दूत के रूप में पेश किया जाए, लेकिन अक्षय कहीं कहीं भगवान की ही तरह एक्ट करते दिखे। वो ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी से ये कहते हैं, तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो। इसके जवाब में पंकज त्रिपाठी कहते हैं, शिव का दास। फिर अक्षय कुमार उन्हें टोकते हुए कहते हैं, नहीं शिव के पास। OMG 2 और गदर 2 के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर फूटा सनी देओल का गुस्सा, क्या बोले पाजी। सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसी दिन अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 भी रिलीज होगी। एक ही दिन दो बड़े सितारों की फिल्म पर्दे पर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन दोनों ही टॉप स्टार की फिल्मों के क्लैश को लेकर भी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। अब खुद सनी देओल ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर रिएक्ट किया है, जहां एक तरफ सनी देओल की फिल्म गदर 2 तारा सिंह और सकीना की कहानी को लेकर आ रही है, वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार की बैक टू बैक फ्लॉप हो रही फिल्मों के बाद एक और फिल्म OMG 2 रिलीज होने वाली है। अक्षय के करियर के लिए ये फिल्म बेहद खास है, खुद एक्टर को भी इस फिल्म से काफी उम्मीद है कि ये उनके करियर को नई दिशा दे सकती है। इन दो फिल्मों के क्लैश को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है। अब तो गदर 2 के एक्टर तारा सिंह यानी खुद सनी देओल ने इन फिल्मों के क्लैश को लेकर बयान दिया है। सिल्वर स्क्रीन पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को एक ही दिन रिलीज होने वाली है। ऐसे में बड़े पर्दे पर गदर 2 और OMG 2 के बीच महाक्लैश देखने को मिलेगा। हाल ही में अक्षय कुमार की OMG 2 के क्लैश पर सनी देओल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि साल 2001 में उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा आमिर खान की लगन के साथ क्लैश हुई थी। एक्टर ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि लोग फिल्मों को कंपेयर क्यों करने लगते हैं। 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा की कलेक्शन को याद करते हुए बताया, गदर ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। लोगों को लगा कि ये मसाला फिल्म है,
ये पुराने टाइप की फिल्म होगी। वहीं दूसरी ओर लोगों का मानना था कि लगन एक क्लासिक फिल्म है। आगे सनी देओल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ लोगों ने तो रिलीज से पहले ही गदर को लेकर भी काफी कुछ उल्टी सीधी बातें की थी, लेकिन बाद में यही फिल्म लोगों की पहली पसंद बन गई थी। लोगों ने फिल्म को दिल खोल कर प्यार दिया और फिल्म पर खूब प्यार लुटाया। मुझे याद है कि अवार्ड शो में उन्होंने गदर का मजाक बनाया था, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर फिल्म की अपनी अलग कहानी होती है जिसके कोई बराबरी नहीं होती, उसकी तुलना क्यों की जाती है। ऐसा ही मेरे कुछ बाकी फिल्मों के साथ भी हुआ है, जैसे घायल का भी दिल के साथ तुलना की गई थी। इनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। बावजूद इसके लोग को फिल्मों को कंपेयर करना अच्छा लगता है। अच्छा या बुरा, कैसा है अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर, जाने रिव्यू। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बता दें, फैंस अक्षय की इस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए संशोधन करने और सर्टिफिकेट प्राप्त करने में इतनी देरी हो गई कि मेकर्स ने बिना किसी इवेंट के लिए ट्रेलर लॉन्च कर दिया। यूं तो OMG 2 का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला था, लेकिन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के बाद रिलीज टल गई और आज आखिरकार ट्रेलर रिलीज हो गया। अब सवाल उठ गया ये कि क्या फैंस के इंतजार का फल मीठा निकला या नहीं, आइए जानते हैं। OMG 2 का ट्रेलर ठीक ठाक लगा, कहीं कहीं रोंगटे खड़े हुए, कहीं पंकज त्रिपाठी के डायलॉग्स पर हंसी आई तो कहीं वाह कहने का मन भी किया। अक्षय कुमार की भी एक्टिंग काफी अच्छी लगी। पिछले काफी समय से लोग उनकी एक्टिंग की आलोचना कर रहे थे। लोगों का कहना था कि वो फिल्म को समय पर खत्म करने के चक्कर में मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों की इस शिकायत को दूर कर दिया। ट्रेलर से ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने इस किरदार में जान फूंकने के लिए काफी मेहनत की है। अपने लुक के साथ साथ डांस पर भी काफी काम किया है। OMG 2 का ट्रेलर उतना दमदार नहीं लगा, बहुत सारी चीजें OMG की कॉपी लगी, जैसे पंकज त्रिपाठी का वो डायलॉग, आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती है, आप अपाहिज हो गए महाराज, आप चालक पर केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर, ऐसा ही डायलॉग परेश रावल ने OMG में बोला था। उन्होंने कहा था, वकील साहब आपके घर में बिजली रिलायंस की आती है, तो जब कभी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस का ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। वही सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को अक्षय कुमार के किरदार में बदलाव करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार को भगवान के रूप में नहीं बल्कि भगवान के दूत के रूप में पेश किया जाए, लेकिन अक्षय कहीं कहीं भगवान की ही तरह एक्ट करते दिखे। वो ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी से ये कहते हैं, तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो। इसके जवाब में पंकज त्रिपाठी कहते हैं, शिव का दास। फिर अक्षय कुमार उन्हें टोकते हुए कहते हैं, नहीं शिव के पास। OMG 2 और गदर 2 के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर फूटा सनी देओल का गुस्सा, क्या बोले पाजी। सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसी दिन अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 भी रिलीज होगी। एक ही दिन दो बड़े सितारों की फिल्म पर्दे पर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन दोनों ही टॉप स्टार की फिल्मों के क्लैश को लेकर भी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। अब खुद सनी देओल ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर रिएक्ट किया है, जहां एक तरफ सनी देओल की फिल्म गदर 2 तारा सिंह और सकीना की कहानी को लेकर आ रही है, वही दूसरी ओर अक्षय कुमार की बैक टू बैक फ्लॉप हो रही फिल्मों के बाद एक और फिल्म OMG 2 रिलीज होने वाली है। अक्षय के करियर के लिए ये फिल्म बेहद खास है, खुद एक्टर को भी इस फिल्म से काफी उम्मीद है कि ये उनके करियर को नई दिशा दे सकती है। इन दो फिल्मों के क्लैश को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है। अब तो गदर 2 के एक्टर तारा सिंह यानी खुद सनी देओल ने इन फिल्मों के क्लैश को लेकर बयान दिया है। सिल्वर स्क्रीन पर दो
बड़ी फिल्मों की टक्कर होने वाली है क्योंकि ये दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को एक ही दिन रिलीज होने वाली है। ऐसे में बड़े पर्दे पर गदर 2 और ओएमजी 2 के बीच महाक्लैश देखने को मिलेगा। हाल ही में अक्षय कुमार की ओएमजी 2 के क्लैश पर सनी देओल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि साल 2001 में उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा आमिर खान की लगन के साथ क्लैश हुई थी। एक्टर ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि लोग फिल्मों को कंपेयर क्यों करने लगते हैं। 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा के कलेक्शन को याद करते हुए बताया, गदर ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। लोगों को लगा कि ये मसाला फिल्म है, ये पुरानी टाइप की फिल्म होगी। वही दूसरी ओर लोगों का मानना था कि लगन एक क्लासिक फिल्म है। आगे सनी देओल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ लोगों ने तो रिलीज से पहले ही गदर को लेकर भी काफी कुछ उल्टी सीधी बातें की थी, लेकिन बाद में यही फिल्म लोगों की पहली पसंद बन गई थी। लोगों ने फिल्म को दिल खोल कर प्यार दिया और फिल्म पर खूब प्यार लुटाया। मुझे याद है कि अवार्ड शो में उन्होंने गदर का मजाक बनाया था, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर फिल्म की अपनी अलग कहानी होती है जिसकी कोई बराबरी नहीं होती, उसकी तुलना क्यों की जाती है। ऐसा ही मेरे कुछ बाकी फिल्मों के साथ भी हुआ है, जैसे घायल का भी दिल के साथ तुलना की गई थी। इनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। बावजूद इसके लोग को फिल्मों को कंपेयर करना अच्छा लगता है। अच्छा या बुरा, कैसा है अक्षय कुमार की फिल्म ओएमजी 2 का ट्रेलर, जाने रिव्यू। अक्षय कुमार की फिल्म ओएमजी 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बता दे, फैंस अक्षय की इस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए संशोधन करने और सर्टिफिकेट प्राप्त करने में इतनी देरी हो गई कि मेकर्स ने बिना किसी इवेंट के लिए ट्रेलर लॉन्च कर दिया। यूं तो ओएमजी 2 का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला था, लेकिन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के बाद रिलीज टल गई और आज आखिरकार ट्रेलर रिलीज हो गया। अब सवाल उठ गया ये कि क्या फैंस के इंतजार का फल मीठा निकला या नहीं, आइए जानते हैं। ओएमजी 2 का ट्रेलर ठीक ठाक लगा, कहीं कहीं रोंगटे खड़े हुए, कहीं पंकज त्रिपाठी के डायलॉग्स पर हंसी आई तो कहीं वाह कहने का मन भी किया। अक्षय कुमार की भी एक्टिंग काफी अच्छी लगी। पिछले काफी समय से लोग उनकी एक्टिंग की आलोचना कर रहे थे। लोगों का कहना था कि वो फिल्म को समय पर खत्म करने के चक्कर में मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों की इस शिकायत को दूर कर दिया। ट्रेलर से ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने इस किरदार में जान फूंकने के लिए काफी मेहनत की है। अपने लुक के साथ साथ डांस पर भी काफी काम किया है। ओएमजी 2 का ट्रेलर उतना दमदार नहीं लगा, बहुत सारी चीजें ओएमजी की कॉपी लगी, जैसे पंकज त्रिपाठी का वो डायलॉग, आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती है, आप अपाहिज हो गए महाराज, आप चालक पर केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर, ऐसा ही डायलॉग परेश रावल ने ओएमजी में बोला था। उन्होंने कहा था, वकील साहब आपके घर में बिजली रिलायंस की आती है, तो जब कभी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस का ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। वही सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को अक्षय कुमार के किरदार में बदलाव करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार को भगवान के रूप में नहीं बल्कि भगवान के दूत के रूप में पेश किया जाए, लेकिन अक्षय कहीं कहीं भगवान की ही तरह एक्ट करते दिखे। वो ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी से ये कहते हैं, तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो। इसके जवाब में पंकज त्रिपाठी कहते हैं, शिव का दास। फिर अक्षय कुमार उन्हें टोकते हुए कहते हैं, नहीं शिव के पास। ओएमजी 2 और गदर 2 के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर फूटा सनी देओल का गुस्सा, क्या बोले पाजी। सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसी दिन अक्षय कुमार की फिल्म ओएमजी 2 भी रिलीज होगी। एक ही दिन दो बड़े सितारों की फिल्म पर्दे पर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
लेकिन दोनों ही टॉप स्टार की फिल्मों के क्लैश को लेकर भी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। अब खुद सनी देओल ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर रिएक्ट किया है, जहां एक तरफ सनी देओल की फिल्म गदर 2 तारा सिंह और सकीना की कहानी को लेकर आ रही है, वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार की बैक टू बैक फ्लॉप हो रही फिल्मों के बाद एक और फिल्म OMG 2 रिलीज होने वाली है। अक्षय के करियर के लिए ये फिल्म बेहद खास है, खुद एक्टर को भी इस फिल्म से काफी उम्मीद है कि ये उनके करियर को नई दिशा दे सकती है। इन दो फिल्मों के क्लैश को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है। अब तो गदर 2 के एक्टर तारा सिंह यानी खुद सनी देओल ने इन फिल्मों के क्लैश को लेकर बयान दिया है। सिल्वर स्क्रीन पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को एक ही दिन रिलीज होने वाली है। ऐसे में बड़े पर्दे पर गदर 2 और OMG 2 के बीच महाक्लैश देखने को मिलेगा। हाल ही में अक्षय कुमार की OMG 2 के क्लैश पर सनी देओल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि साल 2001 में उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा आमिर खान की लगन के साथ क्लैश हुई थी। एक्टर ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि लोग फिल्मों को कंपेयर क्यों करने लगते हैं। 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा की कलेक्शन को याद करते हुए बताया, गदर ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। लोगों को लगा कि ये मसाला फिल्म है, ये पुरानी टाइप की फिल्म होगी। वहीं दूसरी ओर लोगों का मानना था कि लगन एक क्लासिक फिल्म है। आगे सनी देओल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ लोगों ने तो रिलीज से पहले ही गदर को लेकर भी काफी कुछ उल्टी सीधी बातें की थी, लेकिन बाद में यही फिल्म लोगों की पहली पसंद बन गई थी। लोगों ने फिल्म को दिल खोल कर प्यार दिया और फिल्म पर खूब प्यार लुटाया। मुझे याद है कि अवार्ड शो में उन्होंने गदर का मजाक बनाया था, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर फिल्म की अपनी अलग कहानी होती है जिसकी कोई बराबरी नहीं होती, उसकी तुलना क्यों की जाती है। ऐसा ही मेरे कुछ बाकी फिल्मों के साथ भी हुआ है, जैसे घायल का भी दिल के साथ तुलना की गई थी। इनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। बावजूद इसके लोग को फिल्मों को कंपेयर करना अच्छा लगता है। अच्छा या बुरा, कैसा है अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर, जाने रिव्यू। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बता दे, फैंस अक्षय की इस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए संशोधन करने और सर्टिफिकेट प्राप्त करने में इतनी देरी हो गई कि मेकर्स ने बिना किसी इवेंट के लिए ट्रेलर लॉन्च कर दिया। यूं तो OMG 2 का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला था, लेकिन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के बाद रिलीज टल गई और आज आखिरकार ट्रेलर रिलीज हो गया। अब सवाल उठ गया ये कि क्या फैंस के इंतजार का फल मीठा निकला या नहीं, आइए जानते हैं। OMG 2 का ट्रेलर ठीक ठाक लगा, कहीं कहीं रोंगटे खड़े हुए, कहीं पंकज त्रिपाठी के डायलॉग्स पर हंसी आई तो कहीं वाह कहने का मन भी किया। अक्षय कुमार की भी एक्टिंग काफी अच्छी लगी। पिछले काफी समय से लोग उनकी एक्टिंग की आलोचना कर रहे थे। लोगों का कहना था कि वो फिल्म को समय पर खत्म करने के चक्कर में मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों की इस शिकायत को दूर कर दिया। ट्रेलर से ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने इस किरदार में जान फूंकने के लिए काफी मेहनत की है। अपने लुक के साथ साथ डांस पर भी काफी काम किया है। OMG 2 का ट्रेलर उतना दमदार नहीं लगा, बहुत सारी चीजें OMG की कॉपी लगी, जैसे पंकज त्रिपाठी का वो डायलॉग, आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती है, आप अपाहिज हो गए महाराज, आप चालक पर केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर, ऐसा ही डायलॉग परेश रावल ने OMG में बोला था। उन्होंने कहा था, वकील साहब आपके घर में बिजली रिलायंस की आती है, तो जब कभी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस का ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। वही सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को अक्षय कुमार के किरदार में बदलाव करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार को भगवान के रूप में नहीं बल्कि भगवान के दूत के रूप में पेश किया जाए।
लेकिन अक्षय कहीं कहीं भगवान की ही तरह एक्ट करते दिखे। वो ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी से ये कहते हैं, तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो। इसके जवाब में पंकज त्रिपाठी कहते हैं, शिव का दास। फिर अक्षय कुमार उन्हें टोकते हुए कहते हैं, नहीं सीप के पास। OMG 2 और गदर 2 के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर फूटा सनी देओल का गुस्सा, क्या बोले पाजी। सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसी दिन अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 भी रिलीज होगी। एक ही दिन दो बड़े सितारों की फिल्म पर्दे पर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन दोनों ही टॉप स्टार की फिल्मों के क्लैश को लेकर भी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। अब खुद सनी देओल ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर रिएक्ट किया है, जहां एक तरफ सनी देओल की फिल्म गदर 2 तारा सिंह और सकीना की कहानी को लेकर आ रही है, वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार की बैक टू बैक फ्लॉप हो रही फिल्मों के बाद एक और फिल्म OMG 2 रिलीज होने वाली है। अक्षय के करियर के लिए ये फिल्म बेहद खास है। खुद एक्टर को भी इस फिल्म से काफी उम्मीद है कि ये उनके करियर को नई दिशा दे सकती है। इन दो फिल्मों के क्लैश को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है। अब तो गदर 2 के एक्टर तारा सिंह यानी खुद सनी देओल ने इन फिल्मों के क्लैश को लेकर बयान दिया है। सिल्वर स्क्रीन पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को एक ही दिन रिलीज होने वाली है। ऐसे में बड़े पर्दे पर गदर 2 और OMG 2 के बीच महाक्लैश देखने को मिलेगा। हाल ही में अक्षय कुमार की OMG 2 के क्लैश पर सनी देओल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि साल 2001 में उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा आमिर खान की लगन के साथ क्लैश हुई थी। एक्टर ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि लोग फिल्मों को कंपेयर क्यों करने लगते हैं। 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा की कलेक्शन को याद करते हुए बताया, गदर ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। लोगों को लगा कि ये मसाला फिल्म है, ये पुरानी टाइप की फिल्म होगी। वहीं दूसरी ओर लोगों का मानना था कि लगन एक क्लासिक फिल्म है। आगे सनी देओल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ लोगों ने तो रिलीज से पहले ही गदर को लेकर भी काफी कुछ उल्टी सीधी बातें की थी, लेकिन बाद में यही फिल्म लोगों की पहली पसंद बन गई थी। लोगों ने फिल्म को दिल खोल कर प्यार दिया और फिल्म पर खूब प्यार लुटाया। मुझे याद है कि अवार्ड शो में उन्होंने गदर का मजाक बनाया था, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर फिल्म की अपनी अलग कहानी होती है जिसकी कोई बराबरी नहीं होती, उसकी तुलना क्यों की जाती है। ऐसा ही मेरे कुछ बाकी फिल्मों के साथ भी हुआ है, जैसे घायल का भी दिल के साथ तुलना की गई थी। इनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। बावजूद इसके लोग को फिल्मों को कंपेयर करना अच्छा लगता है। अच्छा या बुरा, कैसा है अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर, जाने रिव्यू। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बता दे फैंस अक्षय की इस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए संशोधन करने और सर्टिफिकेट प्राप्त करने में इतनी देरी हो गई कि मेकर्स ने बिना किसी इवेंट के लिए ट्रेलर लॉन्च कर दिया। यूं तो OMG 2 का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला था, लेकिन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के बाद रिलीज टल गई और आज आखिरकार ट्रेलर रिलीज हो गया। अब सवाल उठ गया ये कि क्या फैंस के इंतजार का फल मीठा निकला या नहीं, आइए जानते हैं। OMG 2 का ट्रेलर ठीक ठाक लगा, कहीं कहीं रोंगटे खड़े हुए, कहीं पंकज त्रिपाठी के डायलॉग्स पर हंसी आई तो कहीं वाह कहने का मन भी किया। अक्षय कुमार की भी एक्टिंग काफी अच्छी लगी। पिछले काफी समय से लोग उनकी एक्टिंग की आलोचना कर रहे थे। लोगों का कहना था कि वो फिल्म को समय पर खत्म करने के चक्कर में मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों की इस शिकायत को दूर कर दिया। ट्रेलर से ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने इस किरदार में जान फूंकने के लिए काफी मेहनत की है। अपने लुक के साथ साथ डांस पर भी काफी काम किया है। OMG 2 का ट्रेलर उतना दमदार नहीं लगा, बहुत सारी चीजें OMG की कॉपी लगी, जैसे पंकज त्रिपाठी का वो डायलॉग, आपका टाटा के ट्रक से
एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती है, आप अपाहिज हो गए महाराज, आप चालक पर केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर। ऐसा ही डायलॉग परेश रावल ने ओएमजी में बोला था। उन्होंने कहा था, वकील साहब आपके घर में बिजली रिलायंस की आती है, तो जब कभी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस का ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। वही सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को अक्षय कुमार के किरदार में बदलाव करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार को भगवान के रूप में नहीं बल्कि भगवान के दूत के रूप में पेश किया जाए, लेकिन अक्षय कहीं कहीं भगवान की ही तरह एक्ट करते दिखे। वो ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी से ये कहते हैं, तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो। इसके जवाब में पंकज त्रिपाठी कहते हैं, शिव का दास। फिर अक्षय कुमार उन्हें टोकते हुए कहते हैं, नहीं शिव के पास। OMG 2 और गदर 2 के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर फूटा सनी देओल का गुस्सा, क्या बोले पाजी। सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसी दिन अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 भी रिलीज होगी। एक ही दिन दो बड़े सितारों की फिल्म पर्दे पर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन दोनों ही टॉप स्टार की फिल्मों के क्लैश को लेकर भी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। अब खुद सनी देओल ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर रिएक्ट किया है, जहां एक तरफ सनी देओल की फिल्म गदर 2 तारा सिंह और सकीना की कहानी को लेकर आ रही है, वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार की बैक टू बैक फ्लॉप हो रही फिल्मों के बाद एक और फिल्म OMG 2 रिलीज होने वाली है। अक्षय के करियर के लिए ये फिल्म बेहद खास है, खुद एक्टर को भी इस फिल्म से काफी उम्मीद है कि ये उनके करियर को नई दिशा दे सकती है। इन दो फिल्मों के क्लैश को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है। अब तो गदर 2 के एक्टर तारा सिंह यानी खुद सनी देओल ने इन फिल्मों के क्लैश को लेकर बयान दिया है। सिल्वर स्क्रीन पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को एक ही दिन रिलीज होने वाली है। ऐसे में बड़े पर्दे पर गदर 2 और OMG 2 के बीच महाक्लैश देखने को मिलेगा। हाल ही में अक्षय कुमार की OMG 2 के क्लैश पर सनी देओल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि साल 2001 में उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा आमिर खान की लगन के साथ क्लैश हुई थी। एक्टर ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि लोग फिल्मों को कंपेयर क्यों करने लगते हैं। 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा के कलेक्शन को याद करते हुए बताया, गदर ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। लोगों को लगा कि ये मसाला फिल्म है, ये पुरानी टाइप की फिल्म होगी। वही दूसरी ओर लोगों का मानना था कि लगन एक क्लासिक फिल्म है। आगे सनी देओल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ लोगों ने तो रिलीज से पहले ही गदर को लेकर भी काफी कुछ उल्टी सीधी बातें की थी, लेकिन बाद में यही फिल्म लोगों की पहली पसंद बन गई थी। लोगों ने फिल्म को दिल खोलकर प्यार दिया और फिल्म पर खूब प्यार लुटाया। मुझे याद है कि अवार्ड शो में उन्होंने गदर का मजाक बनाया था, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर फिल्म की अपनी अलग कहानी होती है जिसके कोई बराबरी नहीं होती, उसकी तुलना क्यों की जाती है। ऐसा ही मेरे कुछ बाकी फिल्मों के साथ भी हुआ है, जैसे घायल का भी दिल के साथ तुलना की गई थी। इनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। बावजूद इसके लोग को फिल्मों को कंपेयर करना अच्छा लगता है। अच्छा या बुरा, कैसा है अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर, जाने रिव्यू। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बता दे, फैंस अक्षय की इस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए संशोधन करने और सर्टिफिकेट प्राप्त करने में इतनी देरी हो गई कि मेकर्स ने बिना किसी इवेंट के लिए ट्रेलर लॉन्च कर दिया। यूं तो OMG 2 का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला था, लेकिन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के बाद रिलीज टल गई और आज आखिरकार ट्रेलर रिलीज हो गया। अब सवाल उठ गया ये कि क्या फैंस के इंतजार का फल मीठा निकला या नहीं, आइए जानते हैं। OMG 2 का ट्रेलर ठीक ठाक लगा, कहीं कहीं रोंगटे खड़े हुए, कहीं पंकज त्रिपाठी के डायलॉग्स पर हंसी आई, तो कहीं
वाह कहने का मन भी किया। अक्षय कुमार की भी एक्टिंग काफी अच्छी लगी। पिछले काफी समय से लोग उनकी एक्टिंग की आलोचना कर रहे थे। लोगों का कहना था कि वो फिल्म को समय पर खत्म करने के चक्कर में मेहनत नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों की इस शिकायत को दूर कर दिया। ट्रेलर से ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने इस किरदार में जान फूंकने के लिए काफी मेहनत की है। अपने लुक के साथ साथ डांस पर भी काफी काम किया है। OMG 2 का ट्रेलर उतना दमदार नहीं लगा। बहुत सारी चीजें OMG की कॉपी लगी, जैसे पंकज त्रिपाठी का वो डायलॉग, आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती है, आप अपाहिज हो गए महाराज, आप चालक पर केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर, ऐसा ही डायलॉग परेश रावल ने OMG में बोला था। उन्होंने कहा था, वकील साहब आपके घर में बिजली रिलायंस की आती है, तो जब कभी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस का ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। वही सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को अक्षय कुमार के किरदार में बदलाव करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार को भगवान के रूप में नहीं बल्कि भगवान के दूत के रूप में पेश किया जाए, लेकिन अक्षय कहीं कहीं भगवान की ही तरह एक्ट करते दिखे। वो ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी से ये कहते हैं, तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो। इसके जवाब में पंकज त्रिपाठी कहते हैं, शिव का दास। फिर अक्षय कुमार उन्हें टोकते हुए कहते हैं, नहीं शिव के पास। OMG 2 और गदर 2 के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर फूटा सनी देओल का गुस्सा, क्या बोले पाजी। सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसी दिन अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 भी रिलीज होगी। एक ही दिन दो बड़े सितारों की फिल्म पर्दे पर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन दोनों ही टॉप स्टार की फिल्मों के क्लैश को लेकर भी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। अब खुद सनी देओल ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर रिएक्ट किया है, जहां एक तरफ सनी देओल की फिल्म गदर 2 तारा सिंह और सकीना की कहानी को लेकर आ रही है, वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार की बैक टू बैक फ्लॉप हो रही फिल्मों के बाद एक और फिल्म OMG 2 रिलीज होने वाली है। अक्षय के करियर के लिए ये फिल्म बेहद खास है। खुद एक्टर को भी इस फिल्म से काफी उम्मीद है कि ये उनके करियर को नई दिशा दे सकती है। इन दो फिल्मों के क्लैश को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है। अब तो गदर 2 के एक्टर तारा सिंह यानी खुद सनी देओल ने इन फिल्मों के क्लैश को लेकर बयान दिया है। सिल्वर स्क्रीन पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को एक ही दिन रिलीज होने वाली है। ऐसे में बड़े पर्दे पर गदर 2 और OMG 2 के बीच महाक्लैश देखने को मिलेगा। हाल ही में अक्षय कुमार की OMG 2 के क्लैश पर सनी देओल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि साल 2001 में उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा आमिर खान की लगन के साथ क्लैश हुई थी। एक्टर ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि लोग फिल्मों को कंपेयर क्यों करने लगते हैं। 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा की कलेक्शन को याद करते हुए बताया, गदर ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। लोगों को लगा कि ये मसाला फिल्म है, ये पुरानी टाइप की फिल्म होगी। वहीं दूसरी ओर लोगों का मानना था कि लगन एक क्लासिक फिल्म है। आगे सनी देओल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ लोगों ने तो रिलीज से पहले ही गदर को लेकर भी काफी कुछ उल्टी सीधी बातें की थी, लेकिन बाद में यही फिल्म लोगों की पहली पसंद बन गई थी। लोगों ने फिल्म को दिल खोल कर प्यार दिया और फिल्म पर खूब प्यार लुटाया। मुझे याद है कि अवार्ड शो में उन्होंने गदर का मजाक बनाया था, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर फिल्म की अपनी अलग कहानी होती है जिसके कोई बराबरी नहीं होती, उसकी तुलना क्यों की जाती है। ऐसा ही मेरे कुछ बाकी फिल्मों के साथ भी हुआ है, जैसे घायल का भी दिल के साथ तुलना की गई थी। इनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। बावजूद इसके लोग को फिल्मों को कंपेयर करना अच्छा लगता है। अच्छा या बुरा, कैसा है अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर, जाने रिव्यू। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है।
बता दें, फैंस अक्षय की इस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए संशोधन करने और सर्टिफिकेट प्राप्त करने में इतनी देरी हो गई कि मेकर्स ने बिना किसी इवेंट के लिए ट्रेलर लॉन्च कर दिया। यूं तो OMG 2 का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला था, लेकिन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के बाद रिलीज टल गई और आज आखिरकार ट्रेलर रिलीज हो गया। अब सवाल उठ गया ये कि क्या फैंस के इंतजार का फल मीठा निकला या नहीं, आइए जानते हैं। OMG 2 का ट्रेलर ठीक ठाक लगा, कहीं कहीं रोंगटे खड़े हुए, कहीं पंकज त्रिपाठी के डायलॉग्स पर हंसी आई तो कहीं वाह कहने का मन भी किया। अक्षय कुमार की भी एक्टिंग काफी अच्छी लगी। पिछले काफी समय से लोग उनकी एक्टिंग की आलोचना कर रहे थे। लोगों का कहना था कि वो फिल्म को समय पर खत्म करने के चक्कर में मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों की इस शिकायत को दूर कर दिया। ट्रेलर से ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने इस किरदार में जान फूंकने के लिए काफी मेहनत की है, अपने लुक के साथ साथ डांस पर भी काफी काम किया है। OMG 2 का ट्रेलर उतना दमदार नहीं लगा, बहुत सारी चीजें OMG की कॉपी लगी, जैसे पंकज त्रिपाठी का वो डायलॉग, आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती है, आप अपाहिज हो गए महाराज, आप चालक पर केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर, ऐसा ही डायलॉग परेश रावल ने OMG में बोला था। उन्होंने कहा था, वकील साहब आपके घर में बिजली रिलायंस की आती है, तो जब कभी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस का ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। वही सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को अक्षय कुमार के किरदार में बदलाव करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार को भगवान के रूप में नहीं बल्कि भगवान के दूत के रूप में पेश किया जाए, लेकिन अक्षय कहीं कहीं भगवान की ही तरह एक्ट करते दिखे। वो ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी से ये कहते हैं, तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो। इसके जवाब में पंकज त्रिपाठी कहते हैं, शिव का दास। फिर अक्षय कुमार उन्हें टोकते हुए कहते हैं, नहीं शिव के पास। OMG 2 और गदर 2 के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर फूटा सनी देओल का गुस्सा, क्या बोले पाजी। सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसी दिन अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 भी रिलीज होगी। एक ही दिन दो बड़े सितारों की फिल्म पर्दे पर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन दोनों ही टॉप स्टार की फिल्मों के क्लैश को लेकर भी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। अब खुद सनी देओल ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर रिएक्ट किया है, जहां एक तरफ सनी देओल की फिल्म गदर 2 तारा सिंह और सकीना की कहानी को लेकर आ रही है, वही दूसरी ओर अक्षय कुमार की बैक टू बैक फ्लॉप हो रही फिल्मों के बाद एक और फिल्म OMG 2 रिलीज होने वाली है। अक्षय के करियर के लिए ये फिल्म बेहद खास है, खुद एक्टर को भी इस फिल्म से काफी उम्मीद है कि ये उनके करियर को नई दिशा दे सकती है। इन दो फिल्मों के क्लैश को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है। अब तो गदर 2 के एक्टर तारा सिंह यानी खुद सनी देओल ने इन फिल्मों के क्लैश को लेकर बयान दिया है। सिल्वर स्क्रीन पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को एक ही दिन रिलीज होने वाली है। ऐसे में बड़े पर्दे पर गदर 2 और OMG 2 के बीच महाक्लैश देखने को मिलेगा। हाल ही में अक्षय कुमार की OMG 2 के क्लैश पर सनी देओल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि साल 2001 में उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा आमिर खान की लगन के साथ क्लैश हुई थी। एक्टर ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि लोग फिल्मों को कंपेयर क्यों करने लगते हैं। 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा के कलेक्शन को याद करते हुए बताया, गदर ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। लोगों को लगा कि ये मसाला फिल्म है, ये पुरानी टाइप की फिल्म होगी। वही दूसरी ओर लोगों का मानना था कि लगन एक क्लासिक फिल्म है। आगे सनी देओल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ लोगों ने तो रिलीज से पहले ही गदर को लेकर भी काफी कुछ उल्टी सीधी बातें की थी, लेकिन बाद में यही फिल्म लोगों की पहली पसंद बन गई थी। लोगों ने फिल्म को दिल खोल कर प्यार दिया और फिल्म पर खूब प्यार लुटाया।
मुझे याद है कि अवार्ड शो में उन्होंने गदर का मजाक बनाया था, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर फिल्म की अपनी अलग कहानी होती है जिसके कोई बराबरी नहीं होती, उसकी तुलना क्यों की जाती है। ऐसा ही मेरे कुछ बाकी फिल्मों के साथ भी हुआ है, जैसे घायल का भी दिल के साथ तुलना की गई थी। इनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। बावजूद इसके लोग को फिल्मों को कंपेयर करना अच्छा लगता है। अच्छा या बुरा, कैसा है अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर? जाने रिव्यू। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बता दे, फैंस अक्षय की इस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए संशोधन करने और सर्टिफिकेट प्राप्त करने में इतनी देरी हो गई कि मेकर्स ने बिना किसी इवेंट के लिए ट्रेलर लॉन्च कर दिया। यूं तो OMG 2 का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला था, लेकिन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के बाद रिलीज टल गई और आज आखिरकार ट्रेलर रिलीज हो गया। अब सवाल उठ गया ये कि क्या फैंस के इंतजार का फल मीठा निकला या नहीं, आइए जानते हैं। OMG 2 का ट्रेलर ठीक ठाक लगा, कहीं कहीं रोंगटे खड़े हुए, कहीं पंकज त्रिपाठी के डायलॉग्स पर हंसी आई तो कहीं वाह कहने का मन भी किया। अक्षय कुमार की भी एक्टिंग काफी अच्छी लगी। पिछले काफी समय से लोग उनकी एक्टिंग की आलोचना कर रहे थे। लोगों का कहना था कि वो फिल्म को समय पर खत्म करने के चक्कर में मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों की इस शिकायत को दूर कर दिया। ट्रेलर से ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने इस किरदार में जान फूंकने के लिए काफी मेहनत की है। अपने लुक के साथ साथ डांस पर भी काफी काम किया है। OMG 2 का ट्रेलर उतना दमदार नहीं लगा। बहुत सारी चीजें OMG की कॉपी लगी, जैसे पंकज त्रिपाठी का वो डायलॉग, आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती है, आप अपाहिज हो गए महाराज, आप चालक पर केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर, ऐसा ही डायलॉग परेश रावल ने OMG में बोला था। उन्होंने कहा था, वकील साहब आपके घर में बिजली रिलायंस की आती है, तो जब कभी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस का ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। वही सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को अक्षय कुमार के किरदार में बदलाव करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार को भगवान के रूप में नहीं बल्कि भगवान के दूत के रूप में पेश किया जाए, लेकिन अक्षय कहीं कहीं भगवान की ही तरह एक्ट करते दिखे। वो ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी से ये कहते हैं, तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो। इसके जवाब में पंकज त्रिपाठी कहते हैं, शिव का दास। फिर अक्षय कुमार उन्हें टोकते हुए कहते हैं, नहीं शिव के पास। OMG 2 और गदर 2 के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर फूटा सनी देओल का गुस्सा, क्या बोले पाजी। सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसी दिन अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 भी रिलीज होगी। एक ही दिन दो बड़े सितारों की फिल्म पर्दे पर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन दोनों ही टॉप स्टार की फिल्मों के क्लैश को लेकर भी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। अब खुद सनी देओल ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर रिएक्ट किया है, जहां एक तरफ सनी देओल की फिल्म गदर 2 तारा सिंह और सकीना की कहानी को लेकर आ रही है, वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार की बैक टू बैक फ्लॉप हो रही फिल्मों के बाद एक और फिल्म OMG 2 रिलीज होने वाली है। अक्षय के करियर के लिए ये फिल्म बेहद खास है, खुद एक्टर को भी इस फिल्म से काफी उम्मीद है कि ये उनके करियर को नई दिशा दे सकती है। इन दो फिल्मों के क्लैश को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है। अब तो गदर 2 के एक्टर तारा सिंह यानी खुद सनी देओल ने इन फिल्मों के क्लैश को लेकर बयान दिया है। सिल्वर स्क्रीन पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को एक ही दिन रिलीज होने वाली है। ऐसे में बड़े पर्दे पर गदर 2 और OMG 2 के बीच महाक्लैश देखने को मिलेगा। हाल ही में अक्षय कुमार की OMG 2 के क्लैश पर सनी देओल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि साल 2001 में उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा आमिर खान की लगन के साथ क्लैश हुई थी,
एक्टर ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि लोग फिल्मों को कंपेयर क्यों करने लगते हैं। 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा के कलेक्शन को याद करते हुए बताया, गदर ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। लोगों को लगा कि ये मसाला फिल्म है, ये पुरानी टाइप की फिल्म होगी। वही दूसरी ओर लोगों का मानना था कि लगन एक क्लासिक फिल्म है। आगे सनी देओल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ लोगों ने तो रिलीज से पहले ही गदर को लेकर भी काफी कुछ उल्टी सीधी बातें की थी, लेकिन बाद में यही फिल्म लोगों की पहली पसंद बन गई थी। लोगों ने फिल्म को दिल खोल कर प्यार दिया और फिल्म पर खूब प्यार लुटाया। मुझे याद है कि अवार्ड शो में उन्होंने गदर का मजाक बनाया था, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर फिल्म की अपनी अलग कहानी होती है जिसके कोई बराबरी नहीं होती, उसकी तुलना क्यों की जाती है। ऐसा ही मेरे कुछ बाकी फिल्मों के साथ भी हुआ है, जैसे घायल का भी दिल के साथ तुलना की गई थी। इनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। बावजूद इसके लोग को फिल्मों को कंपेयर करना अच्छा लगता है। अच्छा या बुरा, कैसा है अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर, जाने रिव्यू। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बता दे, फैंस अक्षय की इस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए संशोधन करने और सर्टिफिकेट प्राप्त करने में इतनी देरी हो गई कि मेकर्स ने बिना किसी इवेंट के लिए ट्रेलर लॉन्च कर दिया। यूं तो OMG 2 का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला था, लेकिन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के बाद रिलीज टल गई और आज आखिरकार ट्रेलर रिलीज हो गया। अब सवाल उठ गया ये कि क्या फैंस के इंतजार का फल मीठा निकला या नहीं, आइए जानते हैं। OMG 2 का ट्रेलर ठीक ठाक लगा, कहीं कहीं रोंगटे खड़े हुए, कहीं पंकज त्रिपाठी के डायलॉग्स पर हंसी आई तो कहीं वाह कहने का मन भी किया। अक्षय कुमार की भी एक्टिंग काफी अच्छी लगी। पिछले काफी समय से लोग उनकी एक्टिंग की आलोचना कर रहे थे। लोगों का कहना था कि वो फिल्म को समय पर खत्म करने के चक्कर में मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों की इस शिकायत को दूर कर दिया। ट्रेलर से ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने इस किरदार में जान फूंकने के लिए काफी मेहनत की है, अपने लुक के साथ साथ डांस पर भी काफी काम किया है। OMG 2 का ट्रेलर उतना दमदार नहीं लगा, बहुत सारी चीजें OMG की कॉपी लगी, जैसे पंकज त्रिपाठी का वो डायलॉग, आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती है, आप अपाहिज हो गए महाराज, आप चालक पर केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर, ऐसा ही डायलॉग परेश रावल ने OMG में बोला था। उन्होंने कहा था, वकील साहब आपके घर में बिजली रिलायंस की आती है, तो जब कभी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस का ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। वही सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को अक्षय कुमार के किरदार में बदलाव करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार को भगवान के रूप में नहीं बल्कि भगवान के दूत के रूप में पेश किया जाए, लेकिन अक्षय कहीं कहीं भगवान की ही तरह एक्ट करते दिखे। वो ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी से ये कहते हैं, तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो। इसके जवाब में पंकज त्रिपाठी कहते हैं, शिव का दास। फिर अक्षय कुमार उन्हें टोकते हुए कहते हैं, नहीं शिव के पास। OMG 2 और गदर 2 के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर फूटा सनी देओल का गुस्सा, क्या बोले पाजी। सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसी दिन अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 भी रिलीज होगी। एक ही दिन दो बड़े सितारों की फिल्म पर्दे पर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन दोनों ही टॉप स्टार की फिल्मों के क्लैश को लेकर भी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। अब खुद सनी देओल ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर रिएक्ट किया है, जहां एक तरफ सनी देओल की फिल्म गदर 2 तारा सिंह और सकीना की कहानी को लेकर आ रही है, वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार की बैक टू बैक फ्लॉप हो रही फिल्मों के बाद एक और फिल्म OMG 2 रिलीज होने वाली है। अक्षय के करियर के लिए ये फिल्म बेहद खास है।
खुद एक्टर को भी इस फिल्म से काफी उम्मीद है कि ये उनके करियर को नई दिशा दे सकती है। इन दो फिल्मों के क्लैश को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है। अब तो गदर 2 के एक्टर तारा सिंह यानी खुद सनी देओल ने इन फिल्मों के क्लैश को लेकर बयान दिया है। सिल्वर स्क्रीन पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर होने वाली है क्योंकि ये दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को एक ही दिन रिलीज होने वाली है। ऐसे में बड़े पर्दे पर गदर 2 और ओएमजी 2 के बीच महाक्लैश देखने को मिलेगा। हाल ही में अक्षय कुमार की ओएमजी 2 के क्लैश पर सनी देओल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि साल 2001 में उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा आमिर खान की लगन के साथ क्लैश हुई थी। एक्टर ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि लोग फिल्मों को कंपेयर क्यों करने लगते हैं। 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा की कलेक्शन को याद करते हुए बताया, गदर ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। लोगों को लगा कि ये मसाला फिल्म है, ये पुरानी टाइप की फिल्म होगी। वही दूसरी ओर लोगों का मानना था कि लगन एक क्लासिक फिल्म है। आगे सनी देओल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ लोगों ने तो रिलीज से पहले ही गदर को लेकर भी काफी कुछ उल्टी सीधी बातें की थी, लेकिन बाद में यही फिल्म लोगों की पहली पसंद बन गई थी। लोगों ने फिल्म को दिल खोल कर प्यार दिया और फिल्म पर खूब प्यार लुटाया। मुझे याद है कि अवार्ड शो में उन्होंने गदर का मजाक बनाया था, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर फिल्म की अपनी अलग कहानी होती है जिसकी कोई बराबरी नहीं होती, उसकी तुलना क्यों की जाती है। ऐसा ही मेरे कुछ बाकी फिल्मों के साथ भी हुआ है, जैसे घायल का भी दिल के साथ तुलना की गई थी। इनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। बावजूद इसके लोग को फिल्मों को कंपेयर करना अच्छा लगता है। अच्छा या बुरा, कैसा है अक्षय कुमार की फिल्म ओएमजी 2 का ट्रेलर, जाने रिव्यू। अक्षय कुमार की फिल्म ओएमजी 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बता दें, फैंस अक्षय की इस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए संशोधन करने और सर्टिफिकेट प्राप्त करने में इतनी देरी हो गई कि मेकर्स ने बिना किसी इवेंट के लिए ट्रेलर लॉन्च कर दिया। यूं तो ओएमजी 2 का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला था, लेकिन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के बाद रिलीज टल गई और आज आखिरकार ट्रेलर रिलीज हो गया। अब सवाल उठ गया ये कि क्या फैंस के इंतजार का फल मीठा निकला या नहीं, आइए जानते हैं। ओएमजी 2 का ट्रेलर ठीक ठाक लगा, कहीं कहीं रोंगटे खड़े हुए, कहीं पंकज त्रिपाठी के डायलॉग्स पर हंसी आई तो कहीं वाह कहने का मन भी किया। अक्षय कुमार की भी एक्टिंग काफी अच्छी लगी। पिछले काफी समय से लोग उनकी एक्टिंग की आलोचना कर रहे थे। लोगों का कहना था कि वो फिल्म को समय पर खत्म करने के चक्कर में मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों की इस शिकायत को दूर कर दिया। ट्रेलर से ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने इस किरदार में जान फूंकने के लिए काफी मेहनत की है। अपने लुक के साथ साथ डांस पर भी काफी काम किया है। ओएमजी 2 का ट्रेलर उतना दमदार नहीं लगा, बहुत सारी चीजें ओएमजी की कॉपी लगी, जैसे पंकज त्रिपाठी का वो डायलॉग, आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती है, आप अपाहिज हो गए महाराज, आप चालक पर केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर, ऐसा ही डायलॉग परेश रावल ने ओएमजी में बोला था। उन्होंने कहा था, वकील साहब आपके घर में बिजली रिलायंस की आती है, तो जब कभी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस का ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। वही सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को अक्षय कुमार के किरदार में बदलाव करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार को भगवान के रूप में नहीं बल्कि भगवान के दूत के रूप में पेश किया जाए, लेकिन अक्षय कहीं कहीं भगवान की ही तरह एक्ट करते दिखे। वो ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी से ये कहते हैं, तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो। इसके जवाब में पंकज त्रिपाठी कहते हैं, शिव का दास। फिर अक्षय कुमार उन्हें टोकते हुए कहते हैं, नहीं शिव के पास। ओएमजी 2 और गदर 2 के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर फूटा सनी देओल का गुस्सा।
क्या बोले पाजी, सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसी दिन अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 भी रिलीज होगी। एक ही दिन दो बड़े सितारों की फिल्म पर्दे पर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन दोनों ही टॉप स्टार की फिल्मों के क्लैश को लेकर भी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। अब खुद सनी देओल ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर रिएक्ट किया है, जहां एक तरफ सनी देओल की फिल्म गदर 2 तारा सिंह और सकीना की कहानी को लेकर आ रही है, वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार की बैक टू बैक फ्लॉप हो रही फिल्मों के बाद एक और फिल्म OMG 2 रिलीज होने वाली है। अक्षय के करियर के लिए ये फिल्म बेहद खास है, खुद एक्टर को भी इस फिल्म से काफी उम्मीद है कि ये उनके करियर को नई दिशा दे सकती है। इन दो फिल्मों के क्लैश को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है। अब तो गदर 2 के एक्टर तारा सिंह यानी खुद सनी देओल ने इन फिल्मों के क्लैश को लेकर बयान दिया है। सिल्वर स्क्रीन पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को एक ही दिन रिलीज होने वाली है। ऐसे में बड़े पर्दे पर गदर 2 और OMG 2 के बीच महाक्लैश देखने को मिलेगा। हाल ही में अक्षय कुमार की OMG 2 के क्लैश पर सनी देओल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि साल 2001 में उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा आमिर खान की लगन के साथ क्लैश हुई थी। एक्टर ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि लोग फिल्मों को कंपेयर क्यों करने लगते हैं। 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा के कलेक्शन को याद करते हुए बताया, गदर ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। लोगों को लगा कि ये मसाला फिल्म है, ये पुरानी टाइप की फिल्म होगी। वही दूसरी ओर लोगों का मानना था कि लगन एक क्लासिक फिल्म है। आगे सनी देओल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ लोगों ने तो रिलीज से पहले ही गदर को लेकर भी काफी कुछ उल्टी सीधी बातें की थी, लेकिन बाद में यही फिल्म लोगों की पहली पसंद बन गई थी। लोगों ने फिल्म को दिल खोलकर प्यार दिया और फिल्म पर खूब प्यार लुटाया। मुझे याद है कि अवार्ड शो में उन्होंने गदर का मजाक बनाया था, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर फिल्म की अपनी अलग कहानी होती है जिसके कोई बराबरी नहीं होती, उसकी तुलना क्यों की जाती है। ऐसा ही मेरे कुछ बाकी फिल्मों के साथ भी हुआ है, जैसे घायल का भी दिल के साथ तुलना की गई थी। इनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। बावजूद इसके लोग को फिल्मों को कंपेयर करना अच्छा लगता है।